हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 9वें दिन में सभी का स्वागत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जो हम श्रीमद् भागवतम के प्रसंग लेंगे, उसमें विशेषतः हम ये देखेंगे कि साधु के संग का क्या प्रभाव होता है, साधु का संग से क्या आखिर हो जाता है। सूत गोस्वामी से जब प्रश्न करते हैं शौनक आदि ऋषि, तो सूत गोस्वामी ये भागवत का पाठ करने से पहले, उन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले याद करते हैं किसको? अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को, और कहते हैं यस्वानुभावम् अखिलाश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्थतिर्षताम् तमोऽन्धम् संसारिणाम् करुणया पुराण गुह्यम् तम व्याससूनुम् उपयामि गुरुम् नुमीना। कहते हैं कि मैं उस व्यास सुनीम, जो व्यास के पुत्र हैं, जो सभी के गुरु हो गए, क्योंकि जब वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवत के पाठ करा रहे होते हैं, उस समय व्यासदेव जो कि उनके पिता हैं, गुरु भी हैं, और उनके गुरु के परम गुरु नारद मुनि भी बैठे थे वहां पे, चूंकि पर सुखदेव गोस्वामी स्व अनुभावम, अपने जो सुखदेव गोस्वामी ने सुना था व्यास की वाणी से, अपना अनुभव से, क्योंकि सुख के वाणी से सुखदेव गोस्वामी ने फिर उस व्यास के कृत श्रीमद् भागवतम को बोला, तो वो सभी मुनियों के सभी के गुरु हो गए। और क्या कहते हैं, वो करुणा करने के लिए, शिव किसके ऊपर करुणा करने के लिए नहीं, परीक्षित के ऊपर करुणा करने के लिए नहीं, वो सभी समस्त जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए। कौन से जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए? जो इस संसार के भव सागर से पार होना चाहते हैं। और कब पार होना चाहते हैं? कई जन्मों के बाद नहीं, जिनको तुरंत अगर इस संसार के भव सागर से, क्लेश से दूर होना है, अतीतीत सताम, तुरंत अगर रिजल्ट चाहिए, तो ये श्रीमद् भागवतम की जो पुराणा गुह्यम, पुराणों का गुह्यम है, और सारे श्रुति, अखिल श्रुति सार एकम, उस श्रुति सार का जो प्रवचन किए सुखदेव गोस्वामी, उस सुखदेव गोस्वामी को स्मरण करके सूत गोस्वामी बोलने का प्रयास करते हैं कि मेरे मुंह में भी जो मैं बोलूं, आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, तो वो सुखदेव गोस्वामी मेरे मन में स्थिर हो जाए, ताकि मैं भी वो सुख उवाच, वो भगवान सुखदेव गोस्वामी के जो वचन है, मैं भी आपको सुना सकूं। तो ऐसे साधु संग, ऐसे गुरु परंपरा की महिमा है। तो श्रील प्रभुपाद जी का ये भक्ति वेदांत तात्पर्य जो उन्होंने दिया, हम बद्ध जीवात्मा, खास करके जो अभी जो मॉडर्न में हम जो हैं, ऐसे भक्ति वेदांत तात्पर्य को दिया कि जिससे कि हम भी भगवान के चरण पाद कमल तुरंत प्राप्त कर सके हैं। तो आइए ऐसे गुरु शिष्य परंपरा को स्मरण करते हुए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो हम आज प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद, और अध्याय है 12वां। कल हमने देखा था कि शौनक आदि ऋषि फिर से पूछते हैं प्रश्न, क्योंकि जब बर्थ और एक्टिविटीज के बारे में पूछते परीक्षित से, तो परीक्षित के जन्म को बताते बताते सूत गोस्वामी कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, फिर भीष्म पितामह कैसे भगवत धाम गए वो बताने लग जाते हैं, फिर भगवान कैसे द्वारिका में
प्रस्थान या मत हस्तिनापुर से प्रस्थान और द्वारिका में पहुंचते कैसे हैं। तो एक तरीके से जो उनका करंट क्वेश्चन था वो एक साइड ट्रैक हो गया। तो फिर से सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि आप हमें यह बताइए कि जो परीक्षित की रक्षा किया भगवान ने गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में, वो परीक्षित के जन्म, उनके कर्म और वो कैसे भगवान को प्राप्त हुए, सुखदेव गोस्वामी ने क्यों भाई उनको बोला, क्या ये परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद भागवतम क्यों कहा। तो उसी उपलक्ष में अब यहां पे वो बताते हैं कि आठवें कल हमने देखा कि परीक्षित महाराज ने जब देखा, क्या देखा कि ब्रह्म तेज से वो जब मां के गर्भ में थे तो एक ब्रह्म तेज आ रहा है, तो उन्होंने उसी समय एक साक्षात दर्शन किया। क्या दर्शन किया, किसका दर्शन किया, अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपिव्य दर्शनम श्यामम तदेतवासनम अच्युतम। तो यहाँ पे भगवान का दर्शन किया, भगवान के रूप को देखा। आठवें श्लोक में भगवान के रूप को देखा, कैसा भगवान का रूप था अगर ध्यान दीजिए तो उसमें लिखा है कि अंगुष्ठम, अंगूठे के मात्र का, अंगुष्ठम मात्र अमलम, अंगूठे के साइज का, स्फुरत पूरट मौलिनम। अभी जैसे अंगूठे के मात्र का है तो कोई कह सकता है अरे चलो तो सुखदेव क्या नाम है परीक्षित महाराज देखेंगे, अरे कोई आदमी अंगूठे साइज का है क्या, नहीं वो सिर्फ अंगूठे के साइज का नहीं थे, अंगूठा का साइज का भगवान तो अनंत है पर वो अंगूठे के साइज के हो गए ताकि उनको दर्शन दे सके। तो इतना ही नहीं उसके बाद बोलते स्फुरत पूरट मौलिनम, अरे जिनका क्या था स्फुरत पूरट, जो किरीट मतलब कि क्राउन था वो गोल्डन था। अपिव्य दर्शनम श्यामम, अरे जिनका वर्ण कैसा था ब्लैकिश, कहने का मतलब श्याम वर्ण के थे। और तदीत वाससम अच्युतम, जिनका वास जो जिन्हों की पीताम्बरी कैसी थी, लाइटनिंग चमक रहा था। एक तरीके से बताया जा रहा है इसका अगर अलंकार से समझें तो जो उत्तरा का गर्भ है वो आसमान रूपी गर्भ में जैसे ब्रह्मास्त्र का तेज पड़ा हुआ है जो अग्नि जला रही है एक हाथी को, तो उस समय जैसे मेघ के बादल आकर के बिजली के कड़कड़ाहट की तरह बारिश करते हैं, वैसे वो श्याम वर्ण भगवान कृष्ण किसकी रक्षा करने के लिए मौजूद हो गए परीक्षित के। तो इसमें ये बताया जा, आगे क्या बताते हैं आगे और विशेष रूप से। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान असीमित हैं, उनको सीमित नहीं किया जा सकता, पर चूंकि हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं तो क्या करते हैं भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, श्री श्री राधा रमन जी के रूप में आ गए, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ श्री श्री राधा रमन विग्रह है, तो ऐसे विग्रहों के रूप में आते ताकि हम भगवान के दर्शन कर सकें और उनके प्रति लालसा उत्पन्न हो सके। तो नौवे अध्याय नौवे श्लोक में देखते हैं कि भगवान के रूप का वर्णन किया जा रहा कि चार भुजाओं, उनके चतुर्भुज में सोने के कुंडल और क्रोध से रक्त। यहाँ पे भगवान की जो आंखें हैं वो लाल है, क्यों लाल है, नेत्र क्यों लाल है, क्योंकि भगवान क्रोधित हैं। किस लिए क्रोधित है, अरे मेरा ये परम भक्त जो परीक्षित है उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया है, तो उस कारण से वो आंखें उनके एकदम लाल है और वो अपनी गदा को घुमा रहे हैं भगवान कि किसी प्रकार से कहीं भी तेज ना रह सके, और ये गदा ऐसे लग रही है जैसे घूम रही है, तो भगवान के तरफ तो जैसे लग रही है कि जो तारे हैं जो गिर रहे हैं उस प्रकार से प्रतीक हो रही है। आगे कहते हैं कि अस्त तेज, वो अस्त तेज जो था उसको भगवान ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जैसे गोपति जैसे सूर्य क्या करते हैं, सूर्य अपनी तेज से जो ओस के बूंद होते हैं उसको समाप्त कर देते हैं, वैसे ही क्या किया भगवान ने अपने सुदर्शन और कदा से ब्रह्म के तेज को समाप्त कर दिया। और क्या करते हैं वो जब इस प्रकार से करते हैं तो ये जो बालक होता है परीक्षित, जिसका अभी नाम तो परीक्षित नहीं पड़ा है पर हम बता रहे हैं परीक्षित, वो देख करके सोचता है ये कौन है, अरे कौन है जो मुझे मेरी रक्षा कर रहे इस प्रकार से।
पर्यक्षेत, पर्यक्षेत मतलब देखता है, और इस प्रकार से जब वो देखते हैं इस प्रकार के बालक, तो वो बालक क्या करता है, जब इस प्रकार से दर्शन देने के बाद भगवान क्या होते हैं, धर्मगूप, यहाँ पे भगवान को धर्मगूप कहा गया। धर्मगूप कहने का अर्थ यह है जो भगवान क्या करते हैं, जिनकी धर्म है, क्या उनका धर्म है, भगवान कहते हैं गीता में, नामे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो जिस भगवान ने यह वचन लिया है, जिनका यह धर्म है, वो भगवान परीक्षित को थोड़ा सा दर्शन देने के बाद क्या हो जाते हैं, अदृश्य अंतर्धरे, वो भगवान हरि, हरि क्यों, यहां पे शब्द हरि ही क्यों दिया गया, क्योंकि हरि कहने का अर्थ है कि भगवान ने उनके मन को हर लिया, परीक्षित के मन को हर लिया, बस भगवान उनको दिखा करके दर्शन और अंतर्धारित हो गए। और अंतर्धारित कहने का मतलब कि क्या कहीं चले गए क्या, कोई कहेगा अच्छा भगवान आए थे और कहीं से चले गए, नहीं, इसीलिए विभू कहा गया है। विभू कहने का अर्थ है कि वो भगवान जो कि अंदर और बाहर दोनों है। तो भगवान ऐसे होते हैं ना कि आपकी लालसा को बढ़ाने के लिए, जैसे नारद मुनि के आपकी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप कहीं जाते हो कुछ परचेज करने के लिए, तो दुकानदार कहता है ना, अरे लीजिए, जैसे कुछ खाने का चाहिए, अरे एकदम फर्स्ट क्लास है, लीजिए थोड़ा सा खा करके दिखाता है, या अगर स्वीट होता है तो सोन पापड़ी थोड़ा सा खिला गया, अब आपको अच्छा लगता है तो कहते हो अच्छा और खिलाओ, तो कहता अब बाकी खरीदने के लिए पैसा लगेगा। तो उसी तरीके से भगवान क्या देते हैं, शुरुआत में टेस्ट दे देते हैं किसकी भक्ति के लिए, कि किसी प्रकार से भक्त मेरे तरफ झुक जाए। और यहाँ पे भगवान ने उनको दर्शन दे करके जो विभु हैं, जो परमात्मा के रूप में स्थित हैं, वो उनके आंखों से ओझल हो गए, तो यहाँ पे अंतर्धान हो गए भगवान। अंतर्धान है। अगले श्लोक में बोलते हैं, अगले श्लोक में कहा जाता है, अब यहां पे परीक्षित का जन्म हुआ, तो जन्म के बाद, तो इनका जन्म कब हो रहा है, तो जन्म के बारे में चर्चा की जा रही है कि जिस परीक्षित के अंदर सर्व गुण उदड़ के सारे गुण स्थित थे, वो परीक्षित का जन्म उस समय हुआ जब सारे नक्षत्र और ग्रह अपने सही पोजीशन पे, सही जगह पे थे। जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये नक्षत्र और ग्रह अपने अपने स्थिति बदलते रहते हैं, और कभी अच्छी स्थिति होती है, कभी बुरी स्थिति होती है। जैसे कि अगर रामायण में एक आता है, इसको वाल्मीकि रामायण में तो नहीं वर्णन है, पर इसको ऐसे बताया जाता है एस्ट्रोनॉमी के तरह से, कि जब रावण सीता माँ का हरण करने के लिए पहुंचा होता है, और वो क्योंकि बहुत बड़ा रावण, देखिए कैसे लोग होते हैं, जो थोड़ा सा शास्त्र को जानते हैं उनका मकसद यही होता है कि जो सीता जैसी शास्त्र को भगवान से अलग कर दो, शास्त्र को गलत मिस इंटरप्रेट करके बताने का। तो रावण ने क्या सोचा कि ये अभिजीत मुहूर्त है, तो जो ज्योतिष के जानकार हैं वो जानते हैं कि कुछ मुहूर्त होते हैं जो कि बहुत विशेष होते हैं, तो ऐसे मुहूर्त में उसने सोचा ये एक ऐसा विशेष मुहूर्त था कि जिसमें व्यक्ति अगर किसी चीज का अपहरण करके अपने पास लेकर के आ जाता है तो वो उसका अजीत, मतलब उसको फिर से वापस नहीं जीता जा सकता। अब रावण था ज्योतिष शास्त्र, उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है, और वो उसी मुहूर्त में निकलता है, क्या करने के लिए जाता है, सीता माँ का अपहरण करने। और मुहूर्त का समय होता है लगभग 48 से 50 मिनट। जब ये जाता है और सीता माँ का अपहरण कर लेता है उस मुहूर्त में, चूंकि उसका भेंट हो जाता है किससे, जटायु से। अभी जटायु उससे युद्ध करते हैं, जटायु युद्ध करते हैं और क्या करते हैं, वो पूरे एक मुहूर्त के बाद, देखिए हर अच्छे चीज के बाद बुरा चीज, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये प्रकृति का नियम है। तो वो अच्छे मुहूर्त के बाद ऐसा मुहूर्त था, अगर उस मुहूर्त में कोई किसी चीज को हड़पता है और लेकर आता अपने घर पे, वही चीज उसके सर्व नाश, सभी का नाश का कारक बन जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। पूरे एक मुहूर्त बदल दिया जटायु के युद्ध ने। इसको एस्ट्रोनॉमिकल वे से समझाया है एक पुस्तक में।
तो वो जटायु ने क्या किया, भगवान की विशेष कला को किया जिससे कि वो रावण युद्ध में फिर परास्त हो गया। तो वही चीज यहां पे वर्णन दिया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए भगवान के भक्त और भगवान, जैसे हम कोई विशेष आदमी आता है तो विशेष समय और विशेष जब भी विशेष जगह पे हम लेके बुलाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी देखते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो पूरे रोड गलियां एकदम स्वच्छ हो जाती है, सुंदर हो जाती है। उसी तरीके से जब भगवान का भक्त या भगवान आते तो अपने आप जो है ये सारे नक्षत्र ग्रह सब एक जगह पे स्थित हो जाते हैं, एक जगह पे सारे भगवान के लिए कार्य करने लग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ पे एक और चीज बताते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, वास्तव में ये ज्योतिष शास्त्र भी एक विज्ञान है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र को गलत रूप से प्रकट करने की वजह से आज इसको लोग निरर्थक समझते हैं। पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विज्ञान भले हम उसको गलत उपयोग करें, दुरुपयोग करें, पर वो निरर्थक नहीं हो सकता। यहाँ पे परीक्षित महाराज है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, एक संत के बहुत अच्छे विचार हैं, वो वृंदावन के संत हैं, कहते हैं, द्वादश चंद्र कृत स्थल मंगल वृद्ध बुद्ध विरुद्ध सुरु गुरु वंका यदि दसम भवन भृगु सूत मंद सुकेतु जन्म के अंक अष्ट राहु चतुर दिवामणि तो हरिवंश करौ तु न शंका जो पै कृष्ण चरण मन अर्पि तो करी है कहा नहो ग्रह रंका। अरे किसी के जैसे हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो जन्म कुंडली में कुछ विशेष स्थिति होती है और कुछ अच्छी स्थिति होती है, कुछ खराब स्थिति। अगर चंद्रमा आपका जो 9 ग्रह में जो चंद्रमा अगर आपके 12वें घर पे है तो आपका स्थिति अच्छा नहीं है। यदि मंगल जो है वो अच्छे पोजीशन पे ना हो, कृतस्थल हो, बुध विरुद्ध हो, आपके गुरु वक्री चल रहा है, पीछे हो रहा है, जो भृगुसूत शुक्र है वो दशम स्थान पे है, केतु और जो शनि है एक साथ हैं, राहु 8वें घर पे है, सूर्य चतुर्थ घर पे है, ऐसे कोई एक भी लक्षण अगर आपके जन्म कुंडली में होता है तो दिक्कत होता है। अगर ऐसे सारे 9 ग्रह किसी के जन्म कुंडली में हो तो क्या दिक्कत है, सोचिए। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हरिवंश जी कि फिर भी मुझे कोई शंका नहीं है, तो हरिवंश करत ना शंका, क्यों नहीं शंका है। अरे जो पै कृष्ण चरण मन अर्पित, जिसका मन कृष्ण के चरण में लग गया है उसको क्या है इस 9 ग्रह के से क्या डरना। तो इसलिए भगवान का जो शुद्ध भक्त हो गया, भगवान के मन में हमेशा जिसका चरण लगा हुआ है, तो ये जो ग्रहें और तारे भी हैं अपने आप क्या हो जाती हैं, फिर सही पोजीशन करने लगते हैं। तो ये इसलिए बताते हैं 12वें में कि ग्रह और नक्षत्र के पोजीशन कि कैसे ये ग्रह नक्षत्र अपने आप स्थित हो गए हैं, क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त जन्म ले रहा है। अगले श्लोक में कहते हैं कि जो अलग अलग प्रकार जात संस्कार कराया, अलग अलग प्रकार के 16 संस्कार होते हैं हमारे वैदिक संप्रति के अनुसार, और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संस्कार का कारण, ये संस्कार किस लिए किया जाता है, शुद्धिकरण के लिए, जिससे कि व्यक्ति भगवान के मन में लग सके। इसका सिर्फ ये एज ए फॉर्मेलिटी रिचुअल्स की तरह नहीं करना चाहिए, या कोई फेस्टिवल मनाने के लिए, हाँ भाई जाता संस्कार है, फेस्टिवल होगा, खाना पीना होगा, जैसे बर्थडे है हम लोग, तो वैसे नहीं सोचना चाहिए। ये संस्कार बहुत जरूरी है जिससे कि क्या होता है, व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। और ये जात संस्कार कराने के लिए ऐसे ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण ने जात संस्कार किया, धौम्य और कृपाचार्य आदियों ने सदा संस्कार किया, और ऐसे ब्राह्मणों का ज्ञान भी होना चाहिए जो ये संस्कार करा सकें। तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए हम क्या कर सकते हैं, 14वें में दिया है श्लोक में कि बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं कि सार गाय हाथी सोना भूमि अन्न दान, यानी
दान दिया, किसको? विशेषकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। क्यों दान देना चाहिए? शास्त्रों में वर्णन आता है कि दान किस लिए देना चाहिए, दान कहाँ देना चाहिए। जैसे कि गीता में भी आप देखोगे तो गीता में भी भगवान बोलते हैं कि हमें दान देना चाहिए। पर क्यों दान देना चाहिए, कई बार लोगों को पता ही नहीं रहता है कि किस लिए व्यक्ति को दान देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप शब्द देखेंगे तीर्थविद, तीर्थविद कहने का अर्थ है कि इनको सब पता था कि कब किसको, युधिष्ठिर महाराज को कब, कैसे और कहाँ दान देना चाहिए। भगवद गीता में आपने पढ़ा होगा 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि जो दान जो होता है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में, सतोगुण दान जो उत्तम दान है उसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि अनुपकारिणे देश काले, देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम। जो दान देश काल पात्र और बिना कुछ इच्छा रख करके पात्रता भी देखना चाहिए। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग कहीं भी दान कर देते हैं। महाभारत में मैंने एक क्लास भी दिया था कि दान कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर लंबा मैंने आपको बताया भी था कि अगर सही व्यक्ति को दान नहीं दिया, हम सोचेंगे अरे दान तो दे दिया ना कहीं भी जा रहा है, नहीं, सही व्यक्ति को दान देना चाहिए। और खास करके किसको दान देना चाहिए, ऐसे लोगों को दान देना चाहिए जो ब्राह्मण आपको ये सब चीज का पाठ करा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी आजकल ऐसे ब्राह्मण है ही नहीं जो ऐसा संस्कार ऐसे, तो मैं कहता हूं क्योंकि हमने दान देना ही बंद कर दिया। तो वो ब्राह्मण क्या कर रहा है अभी, वो वेदों का श्रवण, वेदों का पढ़ने की जगह पे क्या कर रहा है अभी। जैसे हम ही लोग हैं, अगर हमें दान ना मिले, अगर हम दान के लिए कार्य, अगर हमें दान नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, फिर हम लोग भी दान के लिए अभी खाने के लिए आना चाहिए ना भाई, तो उसके लिए लगे रहेंगे। जब वो सब चीजों के लिए लगे रहेंगे तो फिर भगवत श्रवण कैसे होगा, भागवत का फिर इतना अध्ययन कैसे कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति अगर भागता रहेगा सिर्फ पैसा जुटाने में, खाने के चक्कर में ही, तो श्रवण कैसे होगा। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को दान दिया जाता था कि भैया क्या राजा और ये गृहस्थ का जन धन था क्या कि इन ब्राह्मणों को दान देते थे कि आप घबराइए नहीं। और ब्राह्मण भी संतुष्ट रहता था, उसको भी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था, वो अपना पूरा तरीके से मन लगाता था भगवान के कीर्तन और श्रवण करता था, जिससे कि वो यजन याजन ताकि पढ़ सके और पढ़ा सके, समझा सके, भगवान के बारे में सुना सके। नहीं तो वो खुद नहीं पढ़ा रहेगा, खुद नहीं श्रवण किया रहेगा, तो आपको क्या श्रवण कराएगा। फिर तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे आजकल के काशी में, कहीं हमारे काशी में कुछ ब्राह्मणों का कहना आजकल हो गया है कि जो अंडा है फलाहार है। अभी देखिए, क्योंकि अब हम शास्त्र पढ़े नहीं है तो अंडा को शाकाहारी, कुछ दिन बाद मीट और मुर्गा को भी शाकाहारी बना देंगे, तो यही चीज हो रहा है। इसलिए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अगले श्लोक में क्या करते हैं कि ब्राह्मण जब संतुष्ट हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये जो आपका परपौत्र पोता है, ये परीक्षित, ये कैसा होगा, पुरु वंश जैसे, पुरु वंश की परंपरा को बढ़ाएगा। कितना मतलब कि सुंदर इसमें बोला जा रहा है कि परंपरा को बढ़ाना है। क्यों परंपरा को बढ़ाना है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे भागवत श्रवण, गीता श्रवण, गुरु शिष्य परंपरा, ऐसे शिष्य परंपरा में सुनना चाहिए, नहीं तो उसका फल वर्जित हो जाता है। चार संप्रदाय में गुरु करिए और उनके चक्कर में ना पड़िए। परंपरा, परंपरा की महत्वता। तो इसीलिए यहाँ पे पहले चीज बोल रहे हैं कि आपके पूर्व वंश में जैसे महान महान राजा हुए वैसे ये परंपरा में रहेगा। अगले श्लोक में बोलते हैं कि ये जो रहेगा कौन, ये बालक कहते हैं ये विष्णु के द्वारा बचाया गया है। ये जो आपको रता गिफ्ट मिल रहा है विष्णु के द्वारा, पूरा तरीके से जल गया था पर विष्णु ने बचाया। क्यों विष्णु ने बचाया, कृष्ण ने नहीं? क्यों? कृष्ण और विष्णु दोनों सेम है, लेकिन जो परमात्मा स्वरूप थे वो तो विष्णु ही थे, परमात्मा छिरोदक्ष है विष्णु, तो वो विष्णु ने बचाया। और क्या किया, इनको बचाया, श्री विष्णु के द्वारा बचाया गया। और क्यों बचाया, श्री प्रभुपाद जी कहते कि क्यों बचाया, दो कारण से। पहला कारण, क्योंकि ये विशुद्ध भक्त थे, भक्त के यहाँ जन्म ले रहे ना, तो इसीलिए विशुद्ध भक्त थे। और दूसरा कारण, क्योंकि भगवान चाहते थे कि जैसा युधिष्ठिर जैसे राजा की परंपरा चलती रहे, लेगेसी ही कंटिन्यू करती रहे,
उत्तराधिकारी ऐसा बनता रहे, परंपरा चलता रहे। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी महाभारत का युद्ध क्यों इतना भयंकर हुआ, अरे भगवान को क्या मिला? भगवान को मिला क्या, भगवान को ये मिला कि युधिष्ठिर महाराज को राजा, धर्मराज को राज्य दिया। एक दिन भी अगर पृथ्वी धर्म से अगर चलती है, उसके लिए भले कितनों दुष्टों का अगर वध करना पड़े तो वो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि लेगेसी कंटिन्यू होता है। जब एक बार आपने सोचिए, ये युधिष्ठिर ने तो 36 साल, और फिर उसके बाद जो है परीक्षित ने लगभग कितना 100 साल के लगभग उन्होंने राज्य किया। तो ऐसे परीक्षित की वो चाहते थे कि वो राजा बने, इसलिए वो राजा की परीक्षित की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे विष्णु के द्वारा जो रक्षा हुआ उसको बताते हैं। एक ब्राह्मण कहते हैं कि आपको जो ये पुत्र मिला, ये वास्तव में गिफ्ट है विष्णु का। जैसे हम गिफ्ट देते हैं ना, वैसे विष्णु के द्वारा ये गिफ्ट है। और कहते हैं अगले श्लोक में कि संदेह मत करना। कैसा संदेह? कि ये महाभागवत होगा। कौन होगा? ये महाभागवत भक्त होगा। तो जब ऐसा सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं अरे महाभागवत होगा, अच्छा और बताइए और। तो अगला श्लोक को ये कई बार लोग कहते हैं अच्छा महाभागवत है, तो फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज पूछे कि अच्छा और बताइए कि ये राज्य शासन कैसे करेंगे। यानी कई लोग मैं देखता हूँ टिप्पणी करते हैं कि अच्छा ये इसलिए बोल रहे थे कि ठीक है भक्त तो है लेकिन करेगा क्या। जैसे हम लोग भी कई बार सोचते हैं ठीक है भक्त है ना, करता क्या है। हमको लगता है कि भक्त होना बहुत मामूली चीज ले लेते हैं। तो लोग ये भागवत का कोटेशन कर देते हैं कि देखिए ना युधिष्ठिर को जब बता दिया, क्या बता दिया ब्राह्मणों ने, कि ये महाभागवत होगा क्या, और इसका नाम क्या होगा? विष्णु रात। विष्णु के द्वारा गिफ्ट दिया गया इसलिए इसका नाम विष्णु रात पड़ेगा। तो जब ऐसा बता दिया तब फिर युधिष्ठिर ने क्यों पूछा भाई कि भाई आप बताइए कि ये कैसे करेंगे, ये राज्य कैसे करेंगे, इनका यश कैसे बढ़ेगा। यानी यश ज्यादा बढ़ा है भागवत से? नहीं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं टीका में, जो प्रथम टीकाकार हैं, कहते हैं कि आउट ऑफ जॉय, आनंद से विभोर हो गए थे कि अरे मेरा घर में महाभागवत जन्म ले रहा है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि महाभागवत जब पढ़ है, प्रहलाद महाराज ने पूछा कि ये मेरे क्या बोलते पिता का क्या गया, वो ये हिरण्यकश्यपु कहाँ गया, नरक में गया कहाँ गया। पर नरसिंहदेव ने कहा सुनो प्रहलाद, तुम जैसा महाभागवत अगर किसी के घर में जन्म लेता है 21 पीढ़ी आगे पीछे सब तड़ जाती है, तुम्हारा पिता क्या पूरा पीढ़ी तड़ गई। तो ये होता है महाभागवत। और कोई महाभागवत परीक्षित जैसा जन्म लिया है तो इतना जॉय में वो, ये एडिशन है, ये पूछ रहे हैं कि उसकी महानता बताइए कैसा होगा, उसका यश कैसे होगा, वो महान कितना होगा। जैसे कोई कहे कि भगवान महान है तो हम पूछते हैं ना कई बार, अगर भगवान से प्रेम है, अगर प्रेम नहीं है तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है भगवान महान है, होंगे महान, रहने दीजिए हमें क्या। लेकिन अगर हमको पता है कृष्ण महान है, अरे कृष्ण के बारे में बताओ कैसे राज्य करेंगे, क्या करते हैं, कहाँ है, क्या है पिता का नाम, तो वैसे वो पूछ रहे हैं कि महानता बताइए कि कैसा उसका यश होगा, कैसा उसका राज्य होगा, क्या वो राज्य करेगा, कहाँ वो राज्य करेगा, कैसे वो रहेगा। अगले श्लोकों में हम देखेंगे उसके क्वालिटीज को वो बताते जाएंगे। तो 19वें श्लोक में दो जो ब्राह्मण बोलना स्टार्ट कर रहे हैं और कहते हैं सबसे पहले कि ये राजा इक्ष्वाकु के जैसा होगा। इक्ष्वाकु राजा क्या करते थे, जैसे अपने प्रजा का पालन करते थे वैसे ये प्रजा का पालन करने जैसा राजा इक्ष्वाकु के जैसा होगा। इससे पहले इस श्लोक में अगर देखें तो ये इसी श्लोक में 19वें श्लोक में तो जो बोल रहे हैं ब्राह्मण लोग कि साक्षात प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकु मानव, कि इक्ष्वाकु के जैसा महान होगा प्रजा पालन करने में, और भगवान राम के जैसा क्या होगा, भगवान राम जैसे प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो ऐसा प्रतिज्ञा लेने वाले भगवान राम, जो सत्य का पालन करने वाले भगवान राम, और ब्राह्मणों को दान देने वाले, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले भगवान राम, वो उनकी तरह होगा। ये श्लोक में बताते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रजा का अर्थ कहने का मतलब क्या है,
अभी कोई खासा कहता है प्रजा का मतलब क्या है भाई, प्रजा पालन, तो प्रजा कहने का मतलब होता है कि जो आपके जो क्षेत्र में प्रजा, मतलब कि हर कोई जन्म लिया हो, सिर्फ मनुष्य नहीं, कुछ तथा कथित जो सिद्धांत को पालन करते हैं कहते हैं कि मनुष्यों में तो सोल होता है पर जीव जंतुओं में सोल नहीं होता, आत्मा नहीं होता है। अभी देखिए उनकी कहां से ये दृष्टि आती है समझ में नहीं आ रहा। तो ये कह रहे भगवान प्रभुपाद जी की, अरे प्रजा, हर कोई प्रजा, एक जीव, हर एक जीव जो है जो वहां पे जन्म लिया है वो प्रजा होता है, और उन प्रजा की रक्षा करना, पालन करना राजा का कर्तव्य होता है, ना कि हम खुश हैं, हम अपना बर्थडे मना रहे हैं और खा रहे हैं चिकन लॉलीपॉप, ठीक है, और खुश हैं, ओह क्या, हाँ दीजिए ना खाएंगे हम, कितना खुश हैं, और कितना बेशरम होकर के हम बोलते हैं नॉन वेज, अरे बोलो ना, मार काट के हम खा रहे हैं, वर्ड देखो कैसे यूज करते हैं, नॉन वेज, वेज का नॉन लगा दिया तो कुछ फीलिंग ही नहीं आता है, बेशरम होकर हम बोल देते हैं कि नॉन वेज खाएंगे, तो वो चीज है। तो यहाँ पे इसलिए भागवत का रस है, इसमें हम भागवत के अलावा और कुछ सोचते नहीं है बोलने का, लेकिन फिर प्रभुपाद जी ऐसे तात्पर्य दिए हैं कि आज के लोगों के बारे में विचार करते हैं। फिर इसके बाद बताते हैं कि सीबी महाराज, कि सीबी महाराज के जैसा क्या, जैसे महाभारत में आपने पढ़ा था, मैंने बताया था, सीबी महाराज का जो शरणागति था, कैसे उन्होंने एक कबूतर तक को बाज से शरणागति दिया, तो वैसे शरणागति देने वाले सीबी महाराज के जैसे शरणागत होगा, और भरत महाराज के जैसे, जो दुष्यंत का पुत्र भरत के जैसा, अपना ही भरत वंश के जैसा नाम और यश फैलेगा, इसी भरत के वजह से क्या हमारा देश जो है ये भारत वर्ष कहलाता है। तो इसके बाद कहते हैं कि एक अगले श्लोक में, 21वें श्लोक में, कि और किसके जैसा होगा, तो कहते हैं कि अर्जुन के जैसा, अपने दादा अर्जुन, दो अर्जुन का नाम अर्जुनेय कहा गया, तो दो अर्जुन मतलब एक हो गया कार्तिक वीर अर्जुन, उसके हम कथा बता भी चुके हैं महाभारत में, और छठम, छठे अध्याय में आएगा भी, छठम स्कंद में, कार्तिक वीर अर्जुन के बारे में, कि उनके जैसा क्या होगा, बहुत बड़ा धनुर्धर होगा, एक के अंदर, जैसे कहते ना कि आजकल सब ऑलराउंडर बनना चाहता है, तो वैसा था ये कौन, हमारे परीक्षित महाराज। और कहते हैं कि अग्नि के समान क्या रहेंगे, जैसे अग्निदेव या अग्नि के समान जिनको रोका नहीं जा सकता, बेरोक होंगे, वैसे अग्नि के समान ये होंगे, और समुद्र के समान जिनको पार करना दुर्गम है, उस समुद्र के समान क्या होंगे ये अनसरपासेबल, दुर्गम, दुर्लभ, या जिसको पार ना किया जा सके, पार करना कठिन हो, ऐसे इनके चरित्र के बारे में वर्णन हो रहा है। अगले श्लोक में बोलते हैं, 22वें श्लोक में, तो ये सारा जो चीज है ये बताया जा रहा है जिनके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा जो वहां पे जात कर्म ब्राह्मण करने आए हैं, कि क्या क्या इस परीक्षित के अंदर क्या है, कैसे कैसे क्वालिटीज होंगे, उन चीजों का इसमें वर्णन कर रहे हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं कि हिमालय के समान क्या है ये, सबको शेल्टर देने वाले होंगे, और कहते हैं सिंह के समान बलशाली होंगे, सिंह के समान बलशाली, हिमालय के समान क्या होंगे, सबको शेल्टर देने वाले, आश्रय प्रदान करने वाले, आश्रय देने वाले। आगे कहते हैं कि पृथ्वी के समान, क्योंकि पृथ्वी के समान क्षमावान, पृथ्वी जैसे क्षमावान है, हम देखते हैं पृथ्वी माता, धरती माता, हम उसके ऊपर थूक देते हैं, उन्हीं के ऊपर चलते हैं, गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं, खोदते हैं, आजकल तो ड्रिलिंग किया जाता है, तेल निकालते हैं, लेकिन वो सब कुछ को क्षमा कर देती है। और माता पिता अभिभावक के अनुसार, जैसे जैसे अभिभावक बहुत टॉलरेट करते हैं अपने पुत्रों को,
झेलते हैं उस तरीके से सहिष्णु रहेंगे, सहिष्णुता टॉलरेंस अपने अभिभावकों के अनुसार अपनी प्रजा के जो गलतियां होंगी उनको क्षमा करते रहेंगे। और आगे कहते हैं, अब यहाँ पे कहते हैं कि समता जो मन है उनका वो ब्रह्मा या युधिष्ठिर दोनों में से, श्रीधर स्वामी के अनुसार ब्रह्मा और विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर के अनुसार समता में बोलते हैं कि वो युधिष्ठिर के समान रहेंगे। तो ब्रह्मा या युधिष्ठिर कोई भी ले सकते हैं, वो उनके समान क्या रहेंगे। सम रहेंगे, मन उनका सम रहेगा, इक्वानिमिटी कहने का मतलब है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी रहेगा। और कहते हैं कि शिवा के समान कैलाशपति भगवान शिव के समान क्या रहेंगे, आशुतोष सबको, जैसे भगवान शिव आशुतोष है, उन्होंने रावण को वरदान दे दिया और सभी को तुरंत जल्दी खुश हो जाते, सभी को तुरंत प्रसाद दे देते हैं, तो वो भगवान जो शिव हैं उनके समान रहेंगे। और विष्णु के समान, क्योंकि सभी को आश्रय प्रदान करते हैं भगवान विष्णु, वो विष्णु के समान सबको शेल्टर देंगे, शेल्टर देंगे। अगले श्लोक में कहते हैं कि रांति देव के जैसे, रांति देव के जैसे इनकी मैग्नानिमिटी महानता रहेंगी, या कह सकते हैं कि उदारता, रांति देव के जैसे उदार रहेंगे। रांति देव की भी कथा आएगी नौवें स्कंद में, जिन्होंने 48 दिन तक, पूरे 40 दिन तक बिना खाए पिए प्यासे रहते हैं, और कौन आता है, कभी ब्राह्मण आ जाता है, कभी कुत्ता आ जाता है उनसे कुछ लेने के लिए, उसको भी दान दे देते हैं। ययाति के जैसे क्या रहेंगे, धर्मज्ञ, धर्म का पालन करने वाले। और अंत में कहते हैं कि कृष्ण के जैसे, कृष्ण के पालन, कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने वाले अनुचरण, अनुसरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, यानी सारा क्वालिटी यहाँ पे आकर के क्या कहते हैं कि कृष्ण का, जैसे भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मेरे पद चिन्हों या मेरे कहे हुए के अनुसार हे अर्जुन तुम अपना जीवन निर्वाह करो। और फिर कहते हैं कि इनका जो पेशेंस होगा, मतलब कि धैर्यता, वो बलि के समान धैर्य होंगे, बलि के समान धैर्य होंगे। अगले श्लोक में कहते हैं, इसी श्लोक में कहते हैं बलि के समान धैर्य होंगे और प्रहलाद के समान महान भक्त होंगे, प्रहलाद के समान महान भक्त होंगे, भागवत होंगे, ऐसे इनके क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन किया गया है। और कहते हैं सभी राजर्षियों के लिए पिता के समान कैसे होंगे, अगले श्लोक में 26वें, कि सभी के राजऋषि, राजऋषि के लिए क्या होंगे, ये पिता के समान होंगे और जो होंगे चेस्टाइजर एक प्रकार से, अब स्टार्ट के लिए, मतलब कि जो दुष्ट उपद्रवकारियों को दंड देने वाले होंगे, दंडकारी होंगे, किसके लिए, दुष्टों के लिए। एक राजा को दंड भी देने आना चाहिए जिससे कि उससे उपद्रवकारी लोग डरे। तो इतना जो है ऑल इन वन, कई बार हम कहते हैं ना कि हमको ये सारे गुण, हम अच्छे एक्टर भी हो जाए, राइटर भी हो जाए, बिल्डर, बॉडी बिल्डर भी हो जाए, सुंदर भी हो, हर चीज व्यक्ति आज पाने की इच्छा करता है, तो ये जो है ये सारे क्वालिटी एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, वो है परीक्षित महाराज। सोचिए परीक्षित का जीवन कितना अद्भुत था कि ये सारे गुण किसके में है, एक ही व्यक्ति, वन ऑल इन वन पैकेज में आ रहा है। तो ऐसे परीक्षित के बारे में जब वो बताते हैं, और अगला श्लोक जो बोलते हैं इसको सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं,
तक्षकादात्मनो मृत्युम् द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपत्यस्य उपश्रुत्य मुक्त संग पदम परे। तो कह रहे हैं कि पर इतना होने के बाद क्या होगा कि ब्राह्मण के पुत्र के श्राप के कारण तक्षक जो सर्प रहेगा इनको डस लेगा। ये सुनकर के युधिष्ठिर आश्चर्य, अरे ये क्या, सब क्वालिटी तो आपने बता दिया, अभी ये ब्राह्मण को श्राप क्यों लगेगा, ब्राह्मण का पुत्र, और वो भी तक्षक क्यों श्राप काटेगा। तो ये सुनकर के थोड़ा सा घबराते हैं, तो हमारे आचार्य कहते हैं, फिर वो बोलते हैं ब्राह्मण कि अरे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सब चीजों से मुक्त होकर के वो श्री भगवान क्या है, उपश्रुत्या मुक्त संग पदम हरे, हरि के पद में उनका मन जो है पूरी तरीके से लग जाएगा और वो क्या करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। तब ये सुनकर के युधिष्ठिर को लगता है अच्छा, कि नहीं तो उनको लगता है कि अरे ब्राह्मण का श्राप यानी कुछ बहुत बड़ा विशेष दुर्घटना हो गया क्या। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान ने परीक्षित को एक बार बचाया तो फिर क्यों नहीं बचाया। कोई कह सकता है ना कि परीक्षित को जब जन्म में से ही बचा लिया भगवान ने तो अभी क्यों नहीं बचाए, उस समय क्यों नहीं बचाए जब वो तक्षक आएगा, और वो भगवान उस समय क्यों नहीं बचाते हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करेंगे, वो भगवत धाम जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो महान भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी अपनी भक्ति को परचेज नहीं करते हैं। कई बार लोग करते हैं ना कि अरे हमने बहुत तपस्या किया है, हम अपना भक्ति किए, मैं इस भक्ति के पल से तुम्हारे लिए कुछ करके दिखाता हूँ, वो अपने लिए कुछ नहीं करते इस भक्ति से। चाहते तो परीक्षित महाराज जो वो श्राप था उसको बदल सकते थे, पर उन्होंने सोचा शायद ये भगवान की कुछ अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला है जिसको मैं समझ नहीं सकता, इसलिए वो क्या करते हैं, वो भगवान के उस चीज को समर्पण करते हुए, समर्पित होते हुए उसको भगवान का प्रसाद समझ करके लेते हैं और फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। अगले श्लोक में आता है इसी श्लोक में कि वो करते क्या हैं, व्यास कृत, व्यास देव के द्वारा जो उनके व्यास के पुत्र हैं उनके द्वारा जो है भागवत का श्रवण करते हैं। भागवत का श्रवण करने से क्या हो जाता है, उनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, भगवान के प्रति आसक्त हो जाते हैं, भौतिक आसक्ति रुक जाती है और निर्भय जीवन प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे एक सुंदर तात्पर्य है, इसमें लिखा है श्रीमद् भागवतम की महिमा, कि कोई भी अगर व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, कैसे भागवत की कथाओं का श्रवण करता है, अटेंटिव निर्भय जीवन, अटेंटिव कहने का मतलब है ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उसको भगवान का साक्षात्कार होना जरूरी है, गारंटी है। क्या है, गारंटी, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कुछ शॉपिंग करने जाते तो कहते हैं गारंटी है, मार के पटक के फेंकिए तो देखिए नहीं टूटेगा, वैसे ही ये श्रीमद् भागवतम के पन्नों से अगर कोई श्रवण करता है गुरु शिष्य परंपरा में, गारंटी है उसको भगवान के साक्षात्कार होना। एज इट इज, ये मैं, मेरा वचन नहीं, ये स्वयं श्रील प्रभुपाद जी का वचन है। अब कहते हैं कि ऐसा परीक्षित के साथ हुआ है, तो जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं ना तो लोग सब बोलते हैं अरे नहीं 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 सही बोल रहे हैं, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, बहुत गारंटी बहुत चला है। तो उसी तरीके से जब परीक्षित को सिर्फ मात्र श्रवण करने से और सुखदेव गोस्वामी मात्र कीर्तन करने से भगवान को प्राप्त हो गए, धुंधकारी जैसा ब्रह्म राक्षस भगवान का श्रवण करने से भगवान को प्राप्त हो गया, वो भक्ति के जो दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हो गया, तो हम क्या इतने महापतित हैं कि हमारा नहीं होगा। अरे महापतित भी है तो क्या हुआ, महापतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु जो नमो महावदन्याय है, उन्होंने क्या दिया कि इस भगवान के नाम का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, भगवान के श्रवण कीर्तन करेंगे
तो चाहे कितनों हो पतित हो तो हमारा भी उद्धार होना निश्चित है। अगले श्लोक में परीक्षित महाराज को ये सब बताने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, फिर वही चीज रिवार्ड दिया, दान दिया फिर से। कितना दान की महिमा है। और यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे वर्णाश्रमों में जो ब्राह्मण हैं, जो ऐसे संस्कार कराते हैं, तथा कथित ब्राह्मणों को दान देना जरूरी है। क्योंकि आप एक तो है कि वो जास के अनुसार पूरा प्रोसेस भी नहीं होता, जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें दान देना अनिवार्य है। और दूसरा चीज मैंने बताया कि अगर ब्राह्मणों को दान नहीं देंगे तो फिर वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो भागते रहेंगे अपना खर्चा पानी करने के लिए, भाई भोजन कमाना है, पैसा कमाना है। और फिर क्या होगा, फिर वो कुछ भी आप उनसे पूछोगे तो वो सब कुछ बताएंगे, हाँ ये भी ठीक है वो भी ठीक है, क्योंकि उन्हों को वही नहीं पता क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। तो इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे जो कि आपको श्रवण करा रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, उनको जरूर दान करना चाहिए। अगले श्लोक में यहाँ पे परीक्षित नाम क्यों पढ़ा, इसकी महानता बता रहे। तो कहते हैं कि स एस लोके विख्याता परीक्षित इति यत प्रभु पूर्व दृष्टम अनुध्यायन परीक्षित नरेश। परीक्षी परीक्षा की भावना से जो बच्चा था बालक, सब ब्राह्मणों ने देखा ये सबको ऐसे घूर घूर के देख रहा है, तो वो परीक्षा के भावना से देख रहा होता है। क्यों देख रहा होता है, पूर्व एकम जो उसने अपने माँ के गर्भ में वो चतुर्भुज को देखा था, कृष्ण को विष्णु को, तो वो देख रहा होता है कौन है वो, कौन है, अरे कोई तो दिख जाए चतुर्भुज, अरे चार हाथ वाला कोई तो है क्या ये है, अरे इसका चार हाथ है पर ये इतना सुंदर तो दिख नहीं रहा है, वो तो बहुत सुंदर थे, श्याम वर्ण था, मुकुट था, पीताम्बरी था और अंगूठे के साइज का था, चलो मान लो कोई ब्राह्मण कोई छोटा भी दिख गया, अरे नहीं 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 ये नहीं हो सकता। तो ऐसे परीक्षा के भाव से देख रहे होते हैं, क्योंकि सबको परीक्षा के भाव से देख रहे होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों ने उनका एक और नाम क्या रख दिया, परीक्षित रहेगा। और ये विश्व में पूरे जगत में परीक्षित के नाम से फेमस होगा। अगले श्लोक में कहते हैं कि जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा, शुक्ल पक्ष मतलब कि कहने का मतलब है वैक्सिंग जो मून है, वो चंद्रमा धीरे धीरे जैसे बढ़ता है और पूर्णिमा में पूरी तरीके से रोशनी देने चांदनी उसकी आ जाती है, उसी प्रकार से परीक्षित महाराज बढ़ने लग गए अपने दादा इन लोग के साथ, उनके संरक्षण में वो आगे उनका जीवन बढ़ते गया। और अगले श्लोक में हम देखते हैं कि फिर युधिष्ठिर महाराज, देखिए भागवत में जो बताया जा रहा है कथा, ऐसा ये मत सोचिएगा ये क्रोनोलॉजिकल ही है, महाभारत में मैंने आपको बता चुका हूँ अश्वमेध यज्ञ, तो ये फिर से बताया जा रहा है कि फिर परीक्षित के बाद अब यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि क्या करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। और वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए वो सोचते हैं कि अभी दान मतलब टैक्स जो है लक्ष्मी यज्ञ करने के लिए लक्ष्मी चाहिए, तो वो लक्ष्मी कहाँ से आएगा, तो महाभारत में मैंने आपको बताया था कि वो सारा कथा कि कैसे वो मारुत देश से वो लक्ष्मी वो जगह से लक्ष्मी लेकर के आते हैं और फिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं, इतना धान देते हैं, इतना धन दान करते हैं कि वो एक यज्ञ से उनको तीन यज्ञ का लाभ मिलता है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वारका चले गए थे फिर से आते हैं युधिष्ठिर के कहने के ऊपर, तो वो आते जाते रहते थे, तो भगवान कृष्ण के संरक्षण में देख रेख में कि सही ब्राह्मण सही तरीके से सभी ब्राह्मण अच्छे से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, युधिष्ठिर के लिए वो देखते हैं कि ब्राह्मण सही तरीके से यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद फिर भगवान कुछ समय के लिए फिर वहाँ पे हस्तिनापुर में रहते हुए द्वारिका के लिए निकलते हैं। और यहाँ पे 12वां अध्याय समाप्त होता है। 13वां अध्याय में चूंकि सुवनक आदि ऋषि का प्रश्न था कि आखिर परीक्षित के आपने तो जन्म बताइए कर्म बताइए और कैसे वो प्राप्त हुए क्या भगवान को, तो इसलिए अब वो भूमिका बनेगी कि भाई परीक्षित कैसे राजा हुए, क्योंकि राजा कैसे बने परीक्षित, इस चीज का वर्णन अब यहाँ पे अगले अध्याय में जिसका शीर्षक है कि
कि कैसे धृतराष्ट्र पहले घर को त्यागते हैं और कैसे, और यहाँ पे हम एक देखेंगे साधु की महिमा। तो ये 13वां अध्याय का पहला श्लोक है। पहला श्लोक में हम देखते हैं तो क्या बोलते हैं सूत गोस्वामी कि तीर्थ यात्रा का करते हुए महात्मा विदुर, महात्मा जो विदुर थे तीर्थ यात्रा पे, ये हम देखते हैं 3रे स्कंद में। मैंने आपको कुछ चीजें बताया भी है पहले भी कि महाभारत की जो कथाएं हैं और जो भागवत में जो कथाएं लिखी हैं ये अलग अलग कल्प के अनुसार हैं। अलग अलग कल्प के कहने का मतलब है ब्रह्मा के जो दिन होते हैं उसमें अलग अलग दिन भगवान के जो लीलाएं होती है वो अलग अलग तरीके से होती हैं। तो जो श्रील व्यास देव जब शास्त्र लिखते हैं, जब शास्त्र को लिखते मतलब संकलन करते हैं, तो महाभारत का जो मुख्य लक्ष्य था धर्म के बारे में बताना और कि धर्म क्या है, धर्म का पालन कैसे कर किया युधिष्ठिर और पंच पांडवों ने, फिर जो 6 प्रमुख अंग जो महाभारत की विशेषता है वो बताई थी उसमें। श्रीमद् भागवतम का मुख्य है कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सके, खास करके इस कलयुग में, इस कलयुग में कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सके हैं, वो लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए अगर आपको कुछ यहाँ पे जो लीलाएं हैं महाभारत से अगर कुछ अलग दिखती हैं तो उसका मुख्यतः यही है कारण, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये पूर्णतः शिव भगवान की कथाओं के प्रति आपकी रुचि, भगवान के प्रति प्रेम, जैसे द्वारिका वासी भगवान का प्रतिदिन दर्शन करते थे फिर भी तृप्त नहीं होते थे, जैसे आप प्रतिदिन खाओ रसगुल्ला पर आपको अगले दिन मजा नहीं आएगा, कहेगा अरे आज कुछ नया चाहिए, हर दिन पनीर बटर मसाला खाया, हर दिन नान और ये सब बटर खाया तो फिर क्या होगा, अगले दिन कुछ दिन के बाद आप कहोगे या तो पेट खराब होगा और नहीं तो कहोगे कि प्रभु जी आज थोड़ा सा दाल चावल सिंपल दीजिए। लेकिन भगवान की कथा और भगवान के जो लीला है नाम में अगर रुचि एक बार हो गया, पिबत भागवतम रसमालयम, कि मुंह रसिको, रसिक लोग ऐसे हैं भगवान के इस भागवत का श्रवण ऐसे करते हैं, पीते रहते हैं, पीते रहते हैं, कानों से पीते रहते हैं और पीते पीते जब मूर्छित हो जाते, गिर जाते, थकते नहीं है, मूर्छित हो जाते भगवान की लीलाओं का सुन करके, जब वो भगवान के अहो बकियम ऐसे करके लीलाओं जो उनके दया की भावना को देख करके मूर्छित हो जाते प्रेम के कारण, तो फिर जब जागते हैं तो फिर से पीना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा भगवान का ये कथा है, श्रवण है, तो इसलिए इसमें पूर्णता जो है भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो पहले श्लोक में जो विदुर जी हैं हस्तिनापुर में वापस आए, क्यों वापस आए 3रे स्कंद में बताया जाएगा कि विदुर को जब धुतकारता है कौन, दुर्योधन, कहता निकल जाओ यहां से सांस लेकर के, तब विदुर जी ये नहीं कहते कि अरे अपने चाचा को ऐसे बोल रहे हो, वो सोचते हैं भगवान की कुछ तो माया है और वो वहां से निकलते हैं, कहां जाते हैं, तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करते हैं। तो वही तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करके विदुर जी यहाँ पे आते हैं और मैत्रेय ऋषि का जो संवाद है, विदुर मैत्रेय जो पूरा 3रा और 4था स्कंद है पूरा, इतने सुंदर सुंदर लीलाएं हैं वो श्रवण करने के बाद, वो भागवत श्रवण करने के बाद आते हैं हस्तिनापुर। क्यों आते हैं हस्तिनापुर बताता हूँ अभी, वो रीजन खुलेगा कि क्यों आए अचानक से। तो क्या भागवत में कोई कह सकता है भागवत श्रवण करने के बाद अब उनको फिर से राज्य प्राप्त करने की इच्छा हुई क्या? तो देखते हैं क्या है इसका रीजन। तो दूसरा कारण में, दूसरा श्लोक में हम देखते हैं फिर क्या बोलते हैं कि जो विदुर जी थे बहुत से प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी, और सारे प्रश्न करने के बाद फिर वो प्रश्न करना बंद कर देते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि क्यों बंद कर देते, क्योंकि भक्ति का उदय हो जाता है। ऐसा नहीं कि अरे ठीक है ऐसे टाइम पास के लिए प्रश्न कर रहे थे, नहीं, तो क्या करते हैं उनके अंदर भगवान की, कृष्ण के जो दिव्य प्रेम है, भक्ति का उदय हो गया है, उस कारण से वो प्रश्न करना बंद कर देते हैं। और जब भक्ति स्थिर हो गई तो वो क्या करते हैं, फिर उनको याद आ जाता है किसी की, क्यों याद आ जाता है देखते हैं आगे के श्लोक में।
तो अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में बताया गया है यहाँ पे, तीसरे और चौथवें श्लोक में, कि परीक्षित जब ये आते हैं कौन, हमारे विदुर जी, तो युधिष्ठिर, कुंती विदुर को देख करके अन्य बाकी जो उसके भाई हैं ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे भागते हैं जैसे कि व्यक्ति जब मूर्छित हो जाता है तो उसके अंदर जो प्राण वायु फिर से आ जाती है, जैसे वो होश में आता है, वैसे ये लोग दीर्घ काल से जो मूर्छित अवस्था में थे, इनको प्राण आ गया, ऐसे लगता है कि प्राण आ गया, प्राण आना, दीर्घ काल से मूर्छित होने के बाद जो प्राण आते हैं वैसे इन लोग को अनुभव होता है कि इनको तीसरे और चौथे जो वहां के जो भी थे युधिष्ठिर कुंती ये लोग भागते हैं, और जब भागते हैं तो फिर क्या करते हैं, कोई प्रणाम करता है, कोई आलिंगन करता है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, तो एक दूसरे को फिर वो प्रणाम और स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं एक दूसरे को। अगले श्लोक में बताया जाता है, छठे श्लोक में, कि उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, प्रेम विवश होकर के, क्योंकि इतने दिन के बाद लगभग 30 साल आचार्यों के अनुसार 30 साल के बाद जब इनको देखते हैं विदुर को, एकदम आंख से विभोर हो जाते हैं, मतलब कि क्या हो जाते हैं, आंसू निकल जाता है युधिष्ठिर के आंख से, कि अरे आज अपने चाचा जी को इतना साल के बाद 30 साल के बाद देख रहा हूँ। और क्या करते है? ये है वैदिक रिसेप्शन, जो सातवां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, कि क्या कई बार हम देखते हैं ना, कोई अतिथि आता है तो हमको पता ही नहीं होता है क्या करना होता है, कोई आया तुरंत को पूछते क्यों आए, किस लिए आए, डांट के नहीं बोलेंगे पर ऐसे पूछेंगे, अच्छा क्यों आए आप, किस लिए आए आप, कब जाएंगे आप, अभी वो पैर भी नहीं रखा है, हम पूछते हैं कि कब जाएंगे आप, वो कहता बाबा अभी मैं चला जाता हूं। तो ऐसा हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखम आसने प्रश्यावंतो राजा प्राह तेसाम चिन्वताम। तो यहाँ पे कहते हैं कि भुक्तवंतम, पहले खिलाया पूरा, भुक्तवंतम क्या खिलाया, प्रसाद दिया, भोजन कराया उसको, पहले उसको खिलाओ भाई, आया है तो कम से कम पहले उसको बैठाओ, पानी पिलाओ, उसके बाद उसको आराम करने के लिए दो, ये नहीं कि तुरंत टपक पड़े कि हाँ भाई क्यों आए, नहीं उसको आराम करने दो, थका मांदा आया है तो विसंतम। उसके बाद आसनम सुखमा आसने, फिर उसको आसन दो, जब वो आराम कर लिया बैठने के लिए फिर उसको बैठने का मौका दो, हाँ, और उसके बाद फिर जो है विचार जो बात है वो चर्चा करना का फिर स्टार्ट करो। तो ये है वैदिक रिसेप्शन, कि कैसे जब अतिथि कोई आता है, कोई खास करके हमारा कोई परम मित्र है जो बहुत ही सुहृद है, उसको कैसे रिसीव करना चाहिए, ये भी भागवत में सिखाया गया है। अगले श्लोक में युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि चाचा जी क्या बोलते हैं, कि आप कैसे जब तीर्थों में गए, आपका जीवन कैसे निर्वाह करते थे, आप कहाँ कहाँ रुके, आपकी विपत्तियां की रक्षा कैसे की गई, आपने सबसे पहले तो ये चाचा जी को स्मरण कर रहे हैं आठवें श्लोक में, कि कैसे चाचा जी ने हमारी रक्षा की, हमारी विपत्ति से रक्षा की, कौन सी विपत्ति से रक्षा की, याद करते हैं वो दिन की, कि जब लाक्षाग्रह के लिए वो निकल रहे होते, जो लाक्षाग्रह होता है उससे निकलते वह विदुर ने जो महाभारत में मैंने आपको बताया था, एक मलिच्छ भाषा में कुछ बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर ही समझते हैं, और कहते हैं कि चूहा आ जाएगा, वो मैंने आपको बताया भी था, तो वो याद करते हैं कि कैसे आपने हमारी विपत्ति में रक्षा की थी, और क्या याद करते हैं, कहते हैं अग्नि में ही नहीं, जब जहर खिला करके मारने का प्रयास किया था दुर्योधन ने, तब आप ही ने कहा था शांत रहो, अगर अभी हल्ला किया तो ये एक को जहर खिलाया 5 को जहर खिला देगा, तो आपने राजतंत्र आप जानते थे, तो इसलिए आपने विपत्ति में हमारी रक्षा की। तो वो चीज को याद कर रहे हैं कि ये जो विदुर थे उन्होंने कई बार रक्षा की, ऐसे कई बार इन्होंने पूरा, मैंने महाभारत में भी बताया कि विदुर की प्रज्ञा के ऊपर कि कितने महान थे विदुर। तो ये याद करने के बाद
वो अब पूछते हैं कि आप कैसे विचरण करते थे, घूमते कैसे थे, आप तीर्थ स्थानों में, पवित्र स्थानों में कहाँ कहाँ रुके, आपकी जीविका कैसे चली, आप जो तीर्थ स्थान में रहते थे, आपके तीर्थ स्थान में जहाँ रुकते थे वहाँ पे रुकने का स्थान क्या था, रुकने का स्थान कहाँ था, कहाँ आप रुकते थे, आपकी जीविका कैसे चलती थी भाई, क्योंकि आप तो कमाते तो थे नहीं उस समय वहाँ पे, तो फिर आप तीर्थ स्थानों में आपके कैसे क्या होता था। और अगला श्लोक में कहते हैं से ये युधिष्ठिर महाराज, जो कि सुंदर श्लोक है और यही है भागवत भक्तों की महिमा, और कहते हैं भवद विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्थास्थेना कदाभृता। अरे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तीर्थों में इसलिए नहीं जाते, आप जैसा भवद विदा भागवत, जो आप जैसा भगवान का भागवत भक्त है वो तीर्थों में इसलिए नहीं जाता है कि वो पाप धोने के लिए, बल्कि तीर्थ उसके चरण पड़ने से तीर्थ क्या होता है, तीर्थी कुर्वन्ती तीर्थानि, और तीर्थ जो होते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन आता है, गंगा देवी बोलती है कि अरे गंगा देवी कहती कि कलयुग में तो लोग इतने अपवित्र हो जाएंगे, इतने मलिन हो जाएंगे, हर समय पाप करेंगे, तो भगवान वो तो आएंगे, वो तो सुने रहेंगे कि हाँ शास्त्रों के अनुसार पाप करो, गंगा में स्नान करो, तो वो तो सारा डंप हमारे ऊपर उतर के जाएंगे, और फिर इंडस्ट्रीज भी खुला रहेगा, सारा जो मल रहेगा वो सब मेरे ऊपर डाला जाएगा। तो गंगा देवी कहते भगवान फिर मेरे को शुद्ध कैसे मैं होंगी, मैं भी तो अभी पवित्र हो जाऊंगी। तो भगवान कहते घबराओ नहीं, मेरा सेनापति भक्त आएगा, जो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कह रहे स्वयं भगवान कृष्ण, कि आएगा पूरे विश्व में प्रचार करेगा, उस श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सारे जो होंगे पूरे विश्व में परम हंस हो जाएंगे ये भगवत भक्ति को लेने से, और वो जब भगवान के भक्त तुम्हारे यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे, स्नान करेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, तुम फिर से पवित्र हो जाओगे। पर हमको ये नहीं समझना चाहिए हम कि हम वो परम भक्त हैं, हम जाकर के स्नान करते हैं गंगा में और गंगा को पवित्र करते हैं, हमको अपना, क्योंकि एक जो भक्त होता है वो अपने आप को भक्त नहीं समझता है, हमको यही सोचना चाहिए कि हम बल्कि पवित्र होते हैं गंगा का स्नान करके। तो यहाँ पे कह रहे युधिष्ठिर महाराज तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि तीर्थों में व्यक्ति को क्यों जाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं लोग वृंदावन हो गया, मायापुर, जगन्नाथपुरी धाम इसलिए जाते हैं, प्रभु जी हो गया, हाँ मेरा तो हो गया, जगन्नाथपुरी धाम हो गया, हाँ हाँ हो गया, चार धाम हम कर लिए हमारा, और क्या बचा है, द्वारकापुरी, अच्छा वो भी हम चले जाएंगे जून जुलाई में। तो जैसे कोटा नहीं, जैसे कि ये बीए कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, या कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया है कि बस हमारा हो गया, उस चीज के लिए नहीं जाना चाहिए। हाँ वो भी ठीक है, उसके लिए लाभ मिलेगा, पर वही दिक्कत है ना, आप हीरा से, वो हीरा से आप वो बच्चे गिट्टी फोड़ खेलते हैं ना, अब वो खेलो तो ठीक है, वो लाभ तो दे रहा है कि आपको खेल में मजा आ रहा, पर हीरा उसी के लिए है क्या, या हीरा जैसे कोई सब्जी बेचने वाला तराजू के रूप में रख दिया वेइंग बैलेंस के लिए, हाँ भाई ठीक है ना पड़ा है, हाँ 2 किलो आलू ठीक है, हीरा 2 किलो का है, तो वो उस चीज के लिए अगर यूज किया जाए तो कितना मतलब मूर्खता होगा। या हम मर्सिडीज को लेकर के आए खेतों में दौड़ा रहे हैं, ठीक है दम, या रोल्स रॉयस लाए हैं 10 करोड़ का और खेतों में दौड़ाने, उसमें पीछे वो लगा दिए तोड़ के जैसे हल जोतने वाला और लगाए तो मतलब उसकी दुर्गति कर दी है। तो उसी तरीके से भगवान के धाम में जाना, वृंदावन धाम और ये सब में जा करके हम बस वहाँ पे अरे हो गया हमारा, चलो हम गंगा यमुना में स्नान कर लिए, मंदिर देख लिए, कृष्ण बलराम मंदिर हो गया हमारा, हाँ उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव तब पड़ता है जब वहां पे भक्तों के बीच में हम श्रवण करते हैं, अरे ये है वो स्थान टेढ़ कदम जहाँ पे भगवान मुरली बजा करके क्या करते थे, बुलाते थे किसको, हो सारे गायों को कि आओ इधर पद्मिनी, ऐसे करके बुलाते थे, ये है वो स्थान राधा रानी का स्थान जहाँ पे वो कुसुम सरोवर, जहाँ वो कुसुम से फूलों से भगवान के लिए माला का श्रृंगार करते थे, ये है वो स्थान गोवर्धन, जो कि ये है जहाँ भगवान ने गोवर्धन उठाए थे। तो ऐसे भगवान के भक्तों का जो वहां पे है, जो उनका निर्मल है हृदय, जो सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं, उनके हृदय से अगर हम सुनेंगे भगवान के बारे में तब कुछ होगा, तब भगवान की भक्ति में जाते, नहीं तो पहली बार में तो लोग जब जाते हैं वृंदावन तो लोगों को लगता है
कि हर जगह कोयल बजेगा, ची ची की आवाज आएगा, क्योंकि लिटिल कृष्णा भी देखे होते हैं तो हमको लगता है वृंदावन, और जब जाते पे पे ए राधे पीछे हटो ऐसे ऐसे आवाज सुनते हैं तो फिर लगता है अरे वो लिटिल कृष्णा ने तो देखे थे कि सब हरियाली रहेगा, सब चीज मतलब कि मौज आएगा पूरा यहाँ पे, सब जगह चिड़िया ची ची करेगी, हिरण का आवाज सुनूंगा, मोर का आवाज सुनूंगा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पेपे पेपे आवाज सुनाई दे रहा है। और भगवान, और जब बिल्डिंग के बगल में भक्त बोलते हैं कि अरे यहाँ पे भगवान ने लीला किया, यहाँ पे भगवान ने लीला किया था, ये तो बिल्डिंग लग रहा है, तो आश्चर्य हो लगता है। तो इसलिए जब तक श्रवण नहीं किया भगवान के कथाओं का तब तक वो हम समझ नहीं पाएंगे, फिर हम वो बस भौतिक नजर से बस देखेंगे कि अरे ये ठीक है, हो सकता है भगवान ने किया था। तो इसलिए यहाँ पे श्रवणम का बहुत महत्वपूर्ण दिया गया। तो इसलिए कह रहे कि अरे आप विदुर जी तीर्थों में जाते हो किस लिए, तीर्थों को शुद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं अगले की तीर्थी कुर्वंती, आप प्यूरिफाई करते हो तीर्थों को, आप जैसा महाभगवत प्यूरिफाई करता है ये जो सेक्रेट प्लेसेस हैं तीर्थ प्लेस, उनको भी प्यूरिफाई कर देता है। ये है महान भक्तों की महिमा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र, लव एक सेकंड से भी छोटा होता है, हम देखेंगे तीसरे स्कंद में आएगा लव, ये सब निमेश क्या होते हैं, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। आप कहेंगे प्रभु जी बहुत बढ़ा के नहीं बोला, जरा बढ़ा के नहीं, आप स्वयं देख सकते हो श्रील प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करके आज जो लोग, जो स्त्री पुरुष आपस में एक साथ कुत्ते बिल्ली की तरह रहते थे वो आज परम वैष्णव परम हंस हो गए। ये है महाभागवतों का श्रवण, महाभागवतों की सेवा करना, शुश्रूष शब्द धान से वासुदेव कथा रुचि महासेवया, श्यान महासेवया, जो महासेवा करता है भगवान के ऐसे परम भक्तों की, तो उसकी स्थिति के बारे में क्या बता। इसके बाद कहते हैं कि आप तो द्वारिका भी गए होंगे, तो द्वारिका गए होंगे तो द्वारिका वासी कैसे थे, क्योंकि देखिए इससे पता चलता है कि युधिष्ठिर का जीवन जो था, ये जो पांडव लोग थे इनका मन कहाँ रमता था। हम क्या है, हमको अगर 4 BHK एकदम स्विमिंग पूल वाला रूम हॉल ये सब मिल जाता है, फिर माला कहाँ जाता है पता नहीं, कई बार तो सुबह सुबह 16 माला जप करने का बाद माला ऐसे फेंकते हैं, आ हा हा, अब वो कल ढूंढते हैं फिर कहते हैं कहाँ माला जप कर रहा था मैं, अच्छा वहां पे कर रहा था शायद वहीं पे छोड़ दिया होगा मैं। तो यहाँ पे देखते हैं युधिष्ठिर ऐसे राज्य में राजा होते हुए भी क्या कर रहे, तुरंत प्रश्न किए, स्वाभाविक निकल रहा है कि अरे वो द्वारिका गए थे, द्वारिका वासी कैसे हैं, हमारे कृष्णा कैसे हैं, यदुवंशी कैसे हैं, वसुदेव कैसे हैं, देवकी माता कैसी हैं, अचानक बोलना नहीं पड़ रहा है, सोचना नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे द्वारिका के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई द्वारिका के बारे में बता दीजिए। अब ये जो प्रश्न था ये इनके लिए बहुत मुश्किल था, क्यों, क्योंकि तीसरे स्कंद में आता है विदुर जी जब उद्धव जी से मिलने जाते हैं, अरे विदुर जी को कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं अरे उद्धव कहते हैं विदुर तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि जब भगवान जा रहे होते, क्योंकि मैं वहीं पे था उद्धव जी 11वां स्कंद पूरा, और मैत्रेय ऋषि भी वहीं पे रहते हैं, तो वो कहते हैं मैं यार भगवान जाते जाते तुमको भी याद कर रहे थे, बहुत से भक्तों को याद करते हैं, तो उसमें से तुम्हारा भी नाम था, चूंकि तुम वहां पे थे भी नहीं तब पर भी वो कहते हैं विदुर मेरा परम भक्त है, ये सुन करके गदगद हो जाते हैं विदुर जी। तो वो विदुर जी क्योंकि उनको पता है कि भगवान जा चुके हैं भगवत धाम, तो जब ऐसा प्रश्न कर दिया किसने कि युधिष्ठिर ने कि विदुर जी बताइए द्वारिका का क्या चल रहा है, हालचाल बता दीजिए, तो अब विदुर जी कुछ नहीं बोलते हैं, सब चीज बताते हैं, सारा चीज क्रमशः जो पूछा कि कहाँ थे कैसे थे सब कुछ बताते हैं। पर यहाँ पे देखिए यथानुभूतम क्रमशो विना विना यदु कुलक्षयम, यदु कुल का जो नाश हुआ उसका वर्णन नहीं करते हैं, क्यों नहीं वर्णन करते हैं अगला श्लोक में बोलते हैं क्यों नहीं दुख करते हैं। नव प्रियम दुवेशहम निर्णाम स्वयं उपस्थितम न वेद्यस्य करुणो दुखी तान द्रष्टुमक्षम, ध्यान दीजिए सकरुणो करुणावश के कारण उनको पता है कि जय वैसे मैं तो कुछ भक्त हूं नहीं, ये तो युधिष्ठिर और ये पांडव अरे पार्थ ये सब तो इतने महान भक्त हैं भगवान के,
इनको बता करके। आजकल क्या हो गया देखिए, कितना हमारा समाज, बोलना तो नहीं चाहिए, भागवत का श्रवण चल रहा है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ कि कितना हमारा समाज मतलब कि वैदिक स्थिति से दूर हो गया। आजकल लोगों को मजा आता है, क्या मजा आता है, दूसरे का नाश होता है ना। तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत भी गाया, पर दुख सुख करो, कि दूसरे को दुख पड़ता है तो हमको आनंद मिलता है, अच्छा हुआ उसके साथ दुखी हो रहा है और हमको मजा आता है। तुरंत किसी का कुछ बुरा न्यूज होता है, तुरंत व्हाट्सएप पे टुक 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 टुक, अरे उसके साथ गलत हो गया, खट से फेंसते हैं या वो पोस्ट भी डाल देते फेसबुक पे फट से कि अरे उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, पता है तुमको क्या हुआ, मौज आ गई हम लोग को एकदम। तो ऐसे लोग बोलते हैं, बहुत मजा आता है लोगों को, आनंद आता है। मैं दिखता हूँ कई लोगों को बहुत मजे लेते रहते हैं दूसरों के बुराई करते हुए, अरे उसके साथ जानते हो क्या हुआ, अरे हम बताते क्या हुआ। कई बार मेरे को दुख होता है, भक्त समाज में भी भक्त बैठ करके यही सब चर्चा करता रहता है कि उसके साथ क्या हुआ, वो कैसे गिर गया, देखे वो भाग गया, हाँ हाँ अरे वो था ही ऐसा, और हम भी दो चार आर्ट कर देते हैं, जानते हो वो था ही ऐसा, अरे उसको तो बात। तो इस समय हमको बहुत आनंद आता है और हम ये सब चीज फैलाते, लेकिन यहाँ पे विदुर जी, क्योंकि नीति शास्त्र के अनुसार वो जो गलत चीज है ना बोलना नहीं चाहिए, अप्रिय सूचना क्यों देने का, वो अपने आप ही आएगा। आप नहीं भी दोगे तो दो चार लोग बता ही देंगे, जैसे अक्सर लोग तुरंत बताने का प्रयास करते हैं, अरे तुम्हारे पिताजी गुजर गए तुमको पता है, तुरंत फेसबुक पे डाल देंगे उसके पिता मर गए। अब ये सब चीज डाल करके आपको क्या मिलता है, वो तो पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे विदुर जी जानते हैं कि इतना दुख होगा, ये जो युधिष्ठिर और ये पंच पांडव जो भक्त हैं भगवान के, उस कारण से करुणावश के कारण वो कुछ नहीं बोलते हैं। और अगले श्लोक में देखते हैं कि वो जो महात्मा विदुर थे किस लिए आए हैं, बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए। कौन है उनका बड़ा भाई, धृतराष्ट्र, जो बहुत आसक्त है, ऐसा है धृतराष्ट्र को उससे गद्दी छूटता ही नहीं है, फेविकोल का जोड़ लग गया है। तो वो धृतराष्ट्र क्यों ऐसे उनको ध्यान आया, चौथे स्कंद में हम पढ़ेंगे जब पुरंजन की कथा जो बताएंगे प्राचीन बरहिषत को, क्या मैत्री ऋषि कि कैसे पुरंजन की कथा सुना करके नारद मुनि ने प्राचीन बरहिषत जो कि पूरा एकदम कर्म में लगा हुआ था, तीन बच्चर बुद्धि का था, उसका उद्धार कर दिया। रुक जाते विदुर जी, कहते अरे मुझे को याद आ गया, मेरा भाई भी एक है जड़ बुद्धि जैसा, वो लगा हुआ है अभी भी, उसको मुझे सुधारना है। प्रणाम करते हैं मैत्री ऋषि को और निकलते, कहते और इसीलिए वो आए हैं यहाँ पे, किसके लिए, कि ये अपने भाई का जो मनोदशा खराब हो गया है, धृतराष्ट्र का दिमाग लगा हुआ है किसमें, पैसा गिनने में, धन गिनने में, या राष्ट्र में आसक्त हैं, तो उसका उद्धार करने के लिए यहाँ पे आए। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज फिर लिख रहे हैं, संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवतम के संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। क्यों ऐसा लिख रहा, क्योंकि अब जो विदुर जी बोलेंगे वो सबको बैठा कर तो बोल रहे हैं, कुंती बैठी है सब बैठे, लेकिन उनका मुख्यतः जो आदेश रहेगा वो किसको बोलेंगे, धृतराष्ट्र को। पांडव को क्यों नहीं बोलेंगे वो हम देखेंगे अभी श्लोकों में आएगा, वो मुख्यतः बोलेंगे, लेकिन सब लोग ध्यान से सुनेगा। क्यों, क्योंकि महाभागवत बोल रहे हैं विदुर जैसा महाजन। अरे व्यास देव कहते हैं कि विदुर की प्रज्ञा का वर्णन मैं महाभारत में करूंगा, वो विदुर जो कि शास्त्र को जानते थे किस प्रकार से कहां यूज करना है, खड़े हो गए कहां पे, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था कोई नहीं खड़ा हुआ, उससे पहले ही खड़े हो गए और कहें कि द्रौपदी को जीता नहीं जा सकता, जिन्होंने पता था कि शास्त्र को कहां कैसे अप्लाई करना है, वो विदुर जो बार बार कैसे शास्त्रों का जो मर्म है सार है उसको निकाल करके पांडवों की रक्षा करते थे, वो विदुर। आप बोल सकते हो कि विदुर जी डायरेक्ट जब तीर्थ यात्रा पे निकले थे भगवान के पास क्यों नहीं गए, यही है भगवान के भक्तों की महिमा। वो अपने आप को इतना नम्र समझता है, नम्र होने के कारण वो सोचते हैं मैंने नमक खाया है दुर्योधन का, खून दौड़ रहा है नमक का, किसका, दुर्योधन का, इसलिए कहते पहले तीर्थ और भक्तों की सेवा करूंगा फिर भगवान के दर्शन को जाऊंगा, पर वास्तव में फिर उनको भगवान का दर्शन ही नहीं होता है, फिर भी भगवान उनको याद करते हैं। सोचिए हम सोचते हैं कि भगवान हमको अंतिम समय याद करें, भगवान जब परम धाम जा रहे हैं तो विदुर जैसे भक्त को याद कर रहे हैं। तो ये विदुर अब क्या बोल रहे हैं,
बहुत ही सुंदर श्लोकें आने वाली हैं, तो हम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि विदुर के जो आज जो बोलेंगे वो टोटली क्या चीज के लिए, विरक्ति, भगवान के प्रति प्रेम प्रदान करने के लिए, और ऐसे लोगों के लिए खास करके लिए है जो कि अपने जीवन के अंतिम समय में है। अंतिम समय तो भाई किसी का भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिनके जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी है, एक प्रकार का विरक्ति पैदा कैसे करा रहे हैं, ये विदुर जी के श्लोकों को हम देखेंगे। तो पहले विदुर जी क्या करते हैं, पहले विदुर की परिचय बताते हैं 15वें श्लोक में कि विदुर कौन है। तो महाभारत में मैंने आपको बताया था, मांडुकी मुनि के श्राप के कारण विदुर जी जो कि धर्मराज हैं, यमराज हैं, वो श्राप के कारण शूद्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो भाई आप हो गए, उस समय पोस्ट खाली हो गया, यमराज का पोस्ट किसके पास है, तो आर्याम करके जो अर्यमा करके जो राजा था उसको बनाया गया यमराज। और उसके बाद फिर जो महाराज युधिष्ठिर थे राज्य का शासन करने लग गए। राज्य का शासन करते करते यहाँ पे 17वें श्लोक में ध्यान देने वाला चीज है, ये जो बोला जा रहा है ये विशेषकर किस लिए सूद गोस्वामी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि काल का प्रभाव सबको दर दबोचता है, हर व्यक्ति काल के प्रभाव में है। एवं गृहेषु सक्ता नाम प्रमत्ता नाम तद इहाय अत्याक्रामत अविज्ञात काल परमातु सत्तर। कि व्यक्ति क्या होता है ना, प्रमत्त हो जाता है घर के घरेलू कार्य में। लोगों से पूछो भैया ये भगवत गीता ले लीजिए, मरने का टाइम नहीं है, पढ़ने का कहाँ टाइम है, सोचिए, ऐसे लोग उत्तर देते हैं। या लोगों से कहो भाई थोड़ा सा भागवत का कथा हो रहा है श्रवण कर लो, थोड़ा सा जान जाए, अरे नहीं 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 प्रभु जी समय नहीं है हमारे पास समय नहीं है। तो वही चीज बोल रहे हैं कि भगवान का भजन करने का, आप कहोगे कि टाइम नहीं है, अरे टाइम कभी नहीं रहेगा, टाइम कभी नहीं आता है भगवान का। माया तो ऐसा ही प्रभाव है ना, माया का प्रभाव इतना पावरफुल है कि हमको लगता है कि कभी टाइम निकलेगा। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं किसी से दान मांगो तो कहते हैं प्रभु जी अभी दान नहीं दे सकते ना, प्रभु जी क्या है ना बहुत हालत स्थिति खराब है। मैंने स्वयं देखा अपने आंखों से बेंगलोर में, मैंने आपको बताया भी था महाभारत में कथा में, एक व्यक्ति बूढ़े थे, वो दक्षिण भारत के थे, तो दक्षिण भारत में घर के बाहर लोग रंगोली बनाते हैं। मैं देखा वो बूढ़े से जो थे व्यक्ति ब्राह्मण थे या कोई थे, मेरे को नहीं पता, मैं अपने ड्यूटी, तो मेरे साथ जो मित्र जा रहे थे वो भी दक्षिण भारत के थे, कन्नड़ जानते थे, उनसे मैंने पूछा इसको पूछो क्या कर रहे हैं, तो वो कुछ बात करते कन्नड़ में, फिर वो मेरे को बताते हैं, कहते हैं उनके आंख से आंसू निकल जाता है, वो जो मेरे मित्र होते हैं वो बताते बताते कहते हैं कि ये जो बोले ना बहुत बड़ा चीज बोल दिया। मैंने कहा क्या बोल दिया ऐसा, तो कहे कि इनके माता पिता ने बचपन से इनको सिखाया था क्या कि दान देना, दान देने की प्रवृत्ति हो गई। आज इनके पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है, तो चावल का जो पिसा हुआ है रंगोली बना रहे और चावल थोड़ा सा बिखेर रहे ताकि चींटी को तब तक खा खिला दे। तो दान की जो प्रवृत्ति होती ना, इसीलिए प्रभुपाद जी ने चार नियमों का पालन, 16 माला का जप, मंगला आरती, ये सब क्यों दिया, ताकि हमारे अंदर संस्कार बैठ जाए भक्ति करने का। तो लोग अक्सर कहते पैसा आ जाएगा ना प्रभु जी तब हम दान देंगे, हमने कितने बड़े बड़े लोगों को देखा एक रुपया नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि हमारे दान देने की प्रवृत्ति ही नहीं होती। उसी तरीके से हम सोचते हैं कि अरे समय आएगा, बिजी हैं, फेसबुक चलाने का समय है, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ने का समय है, लेकिन भागवत और गीता का श्रवण करने का समय नहीं है। सोचिए वो भागवत जिसको एक बार श्रवण मात्र करने से तुरंत अचित रेना, कितनी बार बोला है तुरंत भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी आज बोल रहे हैं तात्पर्य में कि गारंटी है भगवान का साक्षात्कार होना, फिर भी हम नहीं करना चाहते हैं, तो सोचिए कितना हमारी परिस्थिति खराब है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं कि काल सबको दबोचता है, काल का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। और विदुर जी बोलना स्टार्ट करते हैं, विदुर जी कहते हैं संकेत करते हुए कि इसको युधिष्ठिर को नहीं धृतराष्ट्र को संकेत करते हुए कहते हैं। तो राजन, राजन शब्द दिया यहाँ पे, अगर आप देखेंगे धृतराष्ट्र महाभाषण राजन, राजन क्यों कहा, कोई कहेगा अरे हो सकता है युधिष्ठिर को करे, नहीं, राजन इसलिए उसको करे, एक व्यंग्य में कह रहे हैं कि तुम अपने आप को बड़ा राजा समझते हो ना, अरे काल का प्रभाव ऐसा होता है, सोचो तुम राजा थे एक समय और आज क्या हो, तुम कुछ नहीं हो,
आज तुम बस एक भय से भयभीत हुए हो। पश्चिदम भयम आगतम, कि तुम पूरी तरीके से भयभीत हुए हो, भय ने तुम्हें किस प्रकार वशीभूत कर लिया। ये देखो काल का प्रभाव, जैसे कहते ना कि काल के प्रभाव से राजा को रंक बना दिया जाता है, रंक को राजा, ये है काल का प्रभाव। अगले श्लोकों में कहते हैं कि ये भयावह स्थिति का, अभी कोई कह सकता है कि मैं किसी प्रकार से इस भय से निकल सकता हूं, तब ये कहते हैं अरे कोई भी इस भय से नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? स एष भगवान काला सर्वेशाना समागता। अरे काल जो है, ये जो काल स्वरूप किसका है? भगवान का स्वरूप है। भगवान से पार हो जाओगे? नहीं, ये मत सोचो कि हम भगवान से पार हो जाएंगे। हाँ, कोई भी भगवान के कोई नहीं बच सकता। धृतराष्ट्र कह सकता था कि मैं बच जाऊंगा शायद, कहते कोई नहीं बच सकता। तब वो कहते अच्छा तो शायद मैं, जैसे लोग कहते ना धन दौलत ये सबसे शायद मैं निकल जाऊंगा, जैसे लोग अक्सर देखते हैं कि धन दौलत दे करके केस से बाहर छूट जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम काल के प्रभाव से भी छूट जाएंगे। श्री प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे, कहते थे एक व्यक्ति मर रहा है, डॉक्टर से कहता डॉक्टर साहब मेरे को 2 दिन और जिंदा रहने दीजिए। डॉक्टर कहता मेरे हाथ में कुछ नहीं है बाबा, मैं क्या करूं। दो प्रभुपाद जी कहते 2 सेकंड का जो सांस है उसको भी बढ़ा नहीं सकता है डॉक्टर। तो काल के प्रभाव से कई बार लोग सोचते हैं कि हम से धन दौलत से बच जाएंगे, धन दौलत हमको बचा देगी। तो कहते हैं जना सद्यो व्युज्येत किम उताने धन आदि भी। अरे धन भूमि संतान सम्मान कुछ आपका रक्षा नहीं करेगा, ये काल का प्रभाव ऐसा है। अगले श्लोक में 21 से 27 के श्लोक में वास्तव में एक प्रकार का रिनंसिएशन, जो विरक्ति कैसे उत्पन्न करनी है वो देखिए कैसे बोलते हैं। कई बार कहते ना, जैसे लोग कहते हैं साधु का वचन बहुत कठोर होता है, पर हमारे यहाँ कहते हैं लोग आंखों देखा घी भला ना मुख मेला तेल, साधु सोन झगड़ा भला ना साकु सोन मेल। कहने के मतलब अरे देखने में तो घी भी अच्छा लगता है, खाने को मिल जाए तो बात ही अलग है, पर आजकल क्या है कि आर्टिफिशियल लिखा रहता है प्योर घी है, लेकिन वो प्योर नहीं रहता है। तो आंखों देखा घी भला, घी देखने में बहुत अच्छा लगता है, तेल इतना खाने में भी चिपचिपा रिफाइंड तेल, तो बाप रे बाप आजकल क्या होता है आपको भी पता है। आंखों देखा घी भला ना मुख मेला तेल, मुख में जाने में तेल भी अच्छा नहीं लगता है। साधु सोन झगड़ा भला, अरे झगड़ा भी कर लो किसके साथ, साधु के साथ, लेकिन मेल संग साधु का ही करो। ना साकु सोन मेल, अरे दुष्टों का तो कभी मेल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि दुष्टों का जो मन होता है, हम देखेंगे दशम स्कंद में, वो वसुदेव और जब देवकी विवाह करके जा रहे होते, सोचिए कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं, कोई भी आप लिमोजिन या कोई भी गाड़ी ले लीजिए, तो ऐसे चैरियट पे लेके कौन है ड्राइवर, स्वयं कंस है। वो जब देखता है, जैसे ही सुनता है कि अरे ये जो तुम अपनी बहन को लेकर के जा रहे, इसी काठवा पुत्र मारेगा तुम्हें, तुरंत रिवॉल्वर AK-47 लगा देता है। सोचिए ये हालत है। तो इसलिए कहते हैं साधु संग झगड़ा भला, अरे साधु के साथ झगड़ा भी करोगे, साधु क्या देगा, जैसे आपको श्राप भी दिया तो आपका उद्धार करेगा। नारद मुनि ने श्राप दिया अर्जुन, जो दो नलकुवर जो मणिभ्रीव थे, जो अर्जुन वृक्ष बन गए, क्या हुआ उनको? साक्षात भगवान के हरि का वो लीला का दर्शन हुआ, दामोदर अष्टकम में आता है। तो इसलिए साधु संग, तो इसलिए कई बार साधु अगर कठोर बोलता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। और क्या बोलते हैं विदुर जी, कितना कठोर बोलते हैं, कहते हैं यहाँ पे विदुर जी बोलना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले कहते हैं कि तुम्हारा पिता मर गया, इसको कह रहे हैं धृतराष्ट्र को। पिता कहने का मतलब है शांतनु के पुत्र जो भीष्म पितामह, वो मर गए, तेरे 100 पुत्र मर गए, घिन घिन के मारा है, आज 13 गए, आज 9 विकेट आउट हुआ, आज 7 विकेट गिरा, ऐसे मारा है तेरे भाई पुत्रों को, तेरे सारे पुत्र मर गए, तेरा पिता मर गए, सब कुछ मर गए, सब मुड़ के चले गए, लेकिन तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हें अभी भी क्या है, आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकार, और तो और आपने आधा जीवन भी जी लिया है, फिर भी बुढ़ापे में आपको घर छोड़ा नहीं जा रहा है, भगवान में मन लगाया नहीं जा रहा है। तो धृतराष्ट्र कह सकता था मैं अभी कहां बुढ़ापा आया हूं, मैं मेरा अंदर बुढ़ापा नहीं आया। तो वो अगला श्लोक में कहते हैं कि पहले से तो तुम अंधे थे,
जन्म से तो अंधे थे, अब बहरे भी हो गए हो, दांत गिर गए हैं, और क्या हो गया है, बुद्धि विचलित हो गई है, और क्या हो गया है, क्रियाहीन हो गए, देह से कफ कर रहे हो, फिर भी कह रहे हो बुढ़ापा नहीं आया है, अब क्या चाहिए, और क्या चाहिए बुढ़ापा आने का। तो इसके बाद कहते हैं कि बहुत कठोर सब बोलते हैं, कुत्ते की तरह जी रहे हो, किसकी तरह जी रहे हो, कहते हैं गृह पालवत, अरे घरेलू कुत्ता को, जैसे कुत्ते को डांटते हैं और फिर कुत्ता को ऐसे रोटी फेंकते ना, ले टॉमी, तो वैसे तुम कहाँ रह रहे हो, भीम, अरे भीम तुम्हारे ऊपर रोटी फेंक रहा है और तुम खा रहे हो और उस पर आधारित हो, ये वही भीम है जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों को मारा है, भूल लो मत इस भीम को। कहते कि अपने तो जीने की आशा छोड़ दो। शंकराचार्य अपने भज गोविंदम में एक बोलते है ना स्लो, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम चतम तुंडम वृद्धो याति गृहित्व दंडम तदापि न मुंचत आशा पिंडम, कि अंग गल गया है व्यक्ति का और बाल सफेद हो गए हैं, सारे दांत गिर गए हैं, फिर भी, और लकड़ी लेके चल रहा है, फिर भी आशा है, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, तो वैसा हालत हो गया है। कह रहे कि तुम कुत्ता की तरह जी रहे हो, फिर भी तुमको आशा है कि मैं अभी कुछ करूंगा, कुछ तो करके दिखाऊंगा, अभी हम होंगे कामयाब, जीवन तुम्हारा खत्म हो रहा है। तो ये चीज बोलने के बाद कहते हैं अगले श्लोक में, 24वें श्लोक में कहते हैं कि तुम्हारा जीवन कितना, मतलब कि गिर गया है, ऐसा गिरा हुआ जीवन बिताने की क्या आवश्यकता है, क्यों तुम ऐसे गिरे हुए जीवन में आवश्यकता दिखा रहे हो, बिताने का प्रयास कर रहे हो, छोड़ो ये घर बार और चलो हरिद्वार। ये किसको बोला जा रहा है, जिसका जीवन पूरा हो चुका है, जो आधा पूरा, लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी को पता नहीं कब कहाँ क्या जाएगा, कौन कैसे लगेगा, इसलिए भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। और इसलिए 25वें श्लोक में कह रहे कृपणा, कृपणा कहने का मतलब है जो व्यक्ति, जैसे ये मनुष्य जीवन मिला है, जैसे कृपणा कंजूस कहने का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई चीज हो उसका उपयोग ना करो, जैसे आपके पास खास करके उसका दुरुपयोग करो तो और मूर्खता है। जैसे मैंने आपको कई उदाहरण दिया कि मर्सिडीज गाड़ी को लेकर के हल जोतने में लग गए, या सोने का बैग से क्या कर रहे हैं, कूड़ा कचरा उसमें डाल रहे हैं, तो वो हो गया बेवकूफी। तो वही चीज कह रहा है कौन, विदुर जी, कि आप कृपण की तरह अपने शरीर को क्षय कर रहे हैं, और कहते हैं कि इससे अच्छा होगा तुम धीर बनो, धीर बनो और जा करके, धीर का अर्थ कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो व्यक्ति कुछ भी परिस्थिति आए पर विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है, जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं ना पहला श्लोक ही आत्मज्ञान का, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमुयति, के धीर बनो अर्जुन, धीर जो व्यक्ति होते हैं वो देह के त्यागने को क्या समझते हैं कि जैसे शरीर बदल रहा है वैसे आत्मा ने एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला गया, वो घबराते नहीं है, उसी तरीके से तुम भी धीर बनो। कहने का यहाँ पे मतलब कह रहे हैं विदुर जी, कह रहे हैं अरे तीर्थ स्थान में जाओ, वहां पे अपने शरीर को त्याग करो, फालतू का घर में फंसे मत रहो। तो पहला चीज धीर के बारे में बोलते हैं। अगला चीज बताते हैं कि नरोत्तम, यहाँ पे नरोत्तम के बारे में चर्चा की जा रही है कि उच्च कोटि का मनुष्य कौन होता है। अरे उच्च कोटि का मनुष्य वो होता है जो पहले ही से जाग जाता है, जो समझ जाता है, वो मरने का इंतजार नहीं करता है कि हाँ अभी, जैसे कई बार लोग कहते हैं अरे इतना जवानी में भक्ति करने की क्या जरूरत है, जब बड़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, अब बड़े हो जाते हैं अब कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, भक्ति कर ही जाती है। तो इसलिए नरोत्तम, नरों में कौन उत्तम है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में तीन चीज बताते हैं। धीर का मतलब वो है जो पारिवारिक संगति से दूर होकर के भजन करने को लिया जाता है। सन्यासी वो है जो किसी भावना के कारण, कोई दुख के कारण विरक्त भावना हो जाता है। अरे नरोत्तम वो है जो भगवान का सर्वोत्तम भक्त वो होता है जो भगवान की प्रेम को जगाने के लिए, कि हृदय में मेरे इसके प्रति प्रेम जग जाए, उस कारण से वो भगवान में मन लगाता है, वो नरोत्तम होता है।
तो यहाँ पे विदुर जी बता रहे कि कम से कम नरोत्तम नहीं बन सकते तो धीर तो बन जाओ। मैं जहाँ समझ रहा हूँ कि तुम भगवान के भक्त नहीं बन सकते, कम से कम धीर बन जाओ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भगवान का आश्रय लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, भगवान का जो आश्रय लेता है वो वास्तव में नरोत्तम है। और अगले श्लोक में कहते हैं, विदुर ने युधिष्ठिर को ये सलाह नहीं दिया था। ये सलाह किसके लिए था, इसके लिए क्यों सलाह नहीं दिया, देखिए इस श्लोक में ही आता है। अगर ये श्लोक देखें 28वां श्लोक, तो इस श्लोक में बोलते हैं, अथो धिच्छिम दिशम जातो स्वर अज्ञात गति भवान इवो अर्वक प्रयास काल पुंसाम गुणो विकर्षण। कि ये सुन करके, कौन जो सुन करके धृतराष्ट्र का, ये होता है भगवान के भक्तों का। तो कई बार क्या होता है ना, भगवान के भक्तों को एकदम कड़ा बोलना पड़ता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे एकदम स्ट्रांग, तो कोई कहता था अरे प्रभुपाद जी इतना स्ट्रांग क्यों बोलते, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि जब बहरा होता है ना कोई, जो सोया हुआ है या मतलब कि सुन नहीं सकता, तो उसको जोर से बोलना पड़ता है हरी बोल, तब वो सुनता है अच्छा क्या बोल रहे, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो उसी तरीके से जिनको सुनाई नहीं देता है, जो माया के कारण जिनकी कवरिंग हो गई है, जो इतना गहरे नींद में सोए हैं, तो उसको कैसे जगाओगे भाई, उसको जगा हाथ से हिला रहे उठ ही नहीं रहा, तो जोर से बोलना पड़ेगा हरी बोल। तो उस तरीके से जैसे भागवत महाभारत में भी बोलते हैं, युधिष्ठिर धृतराष्ट्र कहते हैं कि विदुर तुम्हारी बातें मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये तुम्हारी जो बातें है ना, ये लाइटनिंग की तरह है, लाइट की तरह नहीं कर रही काम। लाइटनिंग मतलब जैसे बिजली चमकता है फिर गायब हो जाता है, वैसे तुम्हारी बातें तो बिजली की तरह चमक रही हैं, पर थोड़ा ही सा आनंद दे रही है। इसलिए क्या विदुर जी ने किया, अच्छा ऐसा बात है, अब मैं तुमको सिखाता हूँ। तो ऐसा कड़ा बोला कि उसका तुरंत बिस्तर पकड़ा और निकल गया। और विदुर जी ने पांडवों को कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि अगले श्लोक में वो कहते हैं कि वो राजा महात्मा विदुर जानते थे, उन्होंने यहाँ पे विदुर का वर्ड दिया गया प्रज्ञा, देखिए प्रज्ञा, महात्मा विदुर प्रज्ञा वहां। तो जैसे महाभारत में भी वर्णन आता है कि व्यासदेव कहते हैं कि मैं विदुर की प्रज्ञा का आपको दर्शन कराऊंगा इस महाभारत से। तो यहाँ पे भी शब्द आया है कि वो विदुर जो है प्रज्ञा की, अपने प्रज्ञा से, वो विदुर की प्रज्ञा से उन्होंने धृतराष्ट्र के अंदर क्या कर दिया, विरक्ति की भावना जगा दी। ये होता है भगवान के भक्तों का महिमा। और श्रील प्रभुपाद जी अपने ही जीवन से उदाहरण देते हैं, कहते हैं यदि अपना जीवन का उदाहरण देते हैं कि मैं जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, अपने गुरु महाराज से पहली बार मिला, कुछ ही मिनट बात किया था, वो भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से क्या हो गया, देखिए पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का प्रचार किया। नाम सरस्वती नाम ने गौरवाणी प्रचारी ने पूरे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रचार किया। तो ऐसे महाभक्तों के, महाभागवतों के निंदा करने से क्या होता है, अरे मतलब कि सेवा करने से क्या होता है, कि हमको भी क्या उत्पत्ति हो जाता है, वो जो माया में जैसे मक्खी गिरा होता है ना, जैसे कई बार आप देखा होगा कि हनी जो शुद्ध जो होता है ना, शुद्ध हनी अगर हो, तो कई बार मधुमक्खी जो होते हैं वो हनी का टेस्ट करने के चक्कर में, मधु का टेस्ट करने के चक्कर में वो गिर जाते हैं उसमें। अब उनको कैसे निकालोगे, वो अपने आप निकल सकते हैं क्या, नहीं निकल सकते, उसको निकालने के लिए किसी की सहायता की जरूरत है। तो वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं, ऐसे कठोर वचन से हमको इस भौतिक जल सागर में जो हम डूब गए हैं, मदमस्त हो गए हैं, मतलब कि एकदम पागल से हो गए, प्रमत्त हो गए हैं, हमको क्या करते हैं, निकालते हैं उस भव सागर से, कि जिससे कि हम भगवान के चरण में जा सकें। और अगला श्लोक में गांधारी की महानता बता रहे हैं कि गांधारी फिर क्या करती है, वो भी अपने पति का अनुसरण करने लग जाती है। अभी कोई कहेगा अरे हिमालय के पर्वत के पीछे जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कितना रास्ता कठिन होगा, तो गांधारी कहती है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अरे मैंने अपने पति के लिए आंखें बंद कर ली थी, मैं ये भी कठोरता सह सकती हूँ।
और जहाँ उत्साह होता है, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जहाँ उत्साह होता है व्यक्ति, वहाँ पे भले ही कार्य में दुख होता है, फिर भी वो कार्य को प्राप्त किया जाना चाहिए, करना चाहिए, जिसमें अगर आपके लिए श्रेयस है, आपके लिए अल्टीमेट गुड है। अगले श्लोक में कहते हैं कि फिर उनके युधिष्ठिर महाराज को जब, अब युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जब सुबह उठते हैं, सुबह सुबह सूर्य को अग्रण देख करके अपने जाते हैं बड़े पिता के क्वार्टर में, और देखते हैं कि पिताजी गायब, बड़े पिताजी, गांधारी भी गायब, चाचा भी गायब, चाचा, ताऊ और बड़ी माँ गायब हैं। उनको लगता है कुछ तो दिक्कत हो गया। वो जाते हैं और पूछते हैं किससे, संजय से, पर्सनल सेक्रेटरी है, भाई संजय कहाँ गए, ताऊ कहाँ गए हैं, माता जी कहाँ गई। ये जब बोलते हैं कि कहाँ गए हैं, तब और विदुर जी कहाँ गए, अरे सब लोग कहाँ चले गए, ये लोग तो अंधे थे, ये कैसे रहेंगे, कहाँ चले गए, किस प्रकार से वो अपना जीवन विवाह करेंगे, अरे मैंने क्या ऐसा अपराध कर दिया कि इसकी वजह से ये मुझे छोड़ करके चले गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपराध भले ही करता है, अपराध करता है या उसके द्वारा उसके ऊपर कोई अपराध करता है, फिर भी वो सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसके अंदर वो भावना होती है, वो दुष्टों दूसरों में दुख या दोष नहीं देखता है, वो सोचता है क्या कि मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ। और आगे कहते हैं पितर्यो परते पांडो सर्वान्ना सुहिदा शिशुन अरक्षताम वैष्णत पितृवयो कवागतावितम। कि याद कर रहे युधिष्ठिर महाराज की जब मेरे पिता की मृत्यु हो गए, तब यही जब हम लोग छोटे छोटे बालक थे, यही चाचा, यही जो ताऊ जी हैं युधिष्ठिर, धृतराज, इन्होंने हमारी रक्षा की, अरे ये हमारे शुभचिंतक थे, ये कहाँ चले गए। तो ये इतना करुणा से भावना होने के कारण क्या होता है, जब वो इस प्रकार से बोलना स्टार्ट करते तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि अरे संजय तो स्वयं दुखी था कि उसको बिना बताए उसके जो राजा थे, जो धृतराष्ट्र थे, उसके जो गांधारी थी और विदुर जी, बिना बताए वो चले गए, इसलिए अत्यंत दुखी होने के कारण वो महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर भी नहीं दे पाया, एकदम रो रहा होता है संजय। और उसके बाद वो क्या करता है, अपने मन को कुछ शांत करता है, और वो शांत करता है, आंखों से आंसू पोंछता है, और उसके बाद बोलना स्टार्ट करता है, अरे राजन मैं आपको क्या बताऊं, इन महात्माओं के द्वारा तो मैं भी ठगा गया, इन्होंने मुझे तक भी सूचित नहीं किया कि कहां वो चले गए हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा। जब संजय इस प्रकार बोलते हैं तब क्या होता है, उसी समय भगवान की कृपा से नारद मुनि क्या करते हैं, अपनी तंबूरा वीणा को लेकर के वहां पे प्रकट होते हैं। और जैसे ही नारद मुनि को देखते हैं, सारे भाई जो होते हैं युधिष्ठिर, वो सब प्रणाम करने लग जाते हैं, और युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं। अभी देखिए दो लोगों की आसक्ति रहती है, एक फादर और सन। फादर का आसक्ति बेटे के प्रति ज्यादा होता है, बेटा का जितना पिता के ऊपर नहीं होता है, ये स्वाभाविक है। तो पिता को तो ठिकाने लगा दिया, किसको, इन्होंने, विदुर जी ने, अभी थोड़ा सा दुख हो रहा था भाई इनको भी, धृतराय युधिष्ठिर को, तो अब इनको सांत्वना देने के लिए नारद मुनि से पहले युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं कि हे देव पुरुष, हे आप कहाँ, आप तो बताइए, मेरे माँ चाचा, मेरे बड़े दादा पापा यानी ताऊ और मेरी माँ जो है गांधारी, वो कहाँ चले गए, आप तो सब जगह भ्रमण करते, इसलिए उनको कहा है कि भगवान पारदर्शक, भगवान कहने का अर्थ है क्योंकि सब जगह विचरण करते हैं, और दूसरा चीज नारद मुनि क्योंकि भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं, और हमें पता भी है नारद मुनि भगवान के एक अवतार भी हैं, सत्यावेश अवतार हैं, तो वो भगवान के जो आप भगवान नारद, आप बताइए कि कहाँ चले गए, आप तो सब जगह घूमते हैं, सबको मार्ग दिखाते हैं, आप कृपया करके हमें बताइए कि कहाँ गए। जब इस प्रकार से बोलते हैं तो नारद मुनि सबसे पहले डांटते हैं, डांटने के भाषा में बोलते हैं, और कहते हैं नारद मुनि क्या कह रहे हैं, कहते हैं
माम कंचन सुचो राजन यद ईश्वर वसम जगत लोका स्वपाल यस्य मे वहंतिम बलिम ईशितु। कहते कि अरे राजन, क्या तुम ही सबसे बड़े लोकपालक हो? क्या तुम ही सभी लोगों का देखभाल कर रहे हो? तुमको लगता है कि तुम ही बस हो और कोई है नहीं क्या? अरे ये लोक को रक्षा, ये लोक का पालन कौन कर रहा है? भगवान जनार्दन करते हैं, भगवान कृष्ण करते हैं। इसलिए ये सारे जो लोग हैं, ये मनुष्य किसके अधीन है? परमेश्वर के अधीन है। समस्त जीव के लोकपाल की रक्षा वो भगवान करते हैं, तो तुमको क्या इतना टेंशन हो रहा है? तुम क्या सोच रहे हो? तुमको लग रहा है कि तुम नहीं खिलाओगे, तुम ही मेंटेन करते हो सबको। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अल्प व्यक्ति लोग क्या सोचते हैं ना कि ईश्वर तो है ही नहीं, और वो कहते हैं कि अरे ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, सब कुछ हम ही चला रहे। तो उसी तरीके से नारद मुनि यहाँ पे युधिष्ठिर के माध्यम से हम लोग को समझा रहे कि कई बार हमको लगता है ना कि हम नहीं रहेंगे तो बाकी पानी कम है, हम हैं सब है, हम नहीं रहेंगे तो फिर कैसे कार्य चलेगा, तो वो चीज बता रहे। और अगले श्लोक में कहते हैं जिस प्रकार से दो उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे बैल होता है, बैल के नाक में जो रस्सी लगा करके उसको खींचते हैं, और एक रस्सी क्या होता है बड़ी होती है जो कि हाथ में होती है, एक रस्सी उसके गले में फंसाई होती है। तो वैसे हरेक व्यक्ति बैल के जैसे फंसा हुआ है घर परिवार से, और दूसरा जो है वेद के जो वाणी है भगवान की श्रुति उसके अनुसार उसको कार्य करने होता है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। इस किसी को सोचना नहीं चाहिए कि हम अपने मन से करेंगे, जो मन आएगा हम करेंगे, मौज आएगा हम करेंगे, नहीं। भगवान कहते हैं वेद के अनुसार कार्य करने होते हैं। और दूसरा चीज कहते हैं नाद मुनि कि जैसे कठपुतलियां होती हैं, वो कठपुतलियां नाचती हैं जैसे इशारों पे, किसके, जो मास्टर जो उसको नचाता है, उसी तरीके से हम सबकी डोरी भगवान के हाथों में है, और वो हमको नचा नचा करके कब किससे मिलाता है, किससे छुड़ाता है, वो वही जानता है। और इस प्रकार से अगले श्लोक में 44वां श्लोक में अगर देखें तो बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं नारद मुनि। कहते हैं कि यन्यमन्ये से ध्रुवम लोकम अध्रुवम वा नाचो भयम सर्वथा न ही सोचास्ते स्नेहाद अन्यत्र मोहजात। कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो, देखो कहते हैं कि तुम अगर मोनिज्म तुम मानते हो कि भगवान अद्वैत है, भगवान द्वैत है, तुम शरीर को मानो या नहीं मानते हो, तुम आत्मा को मानते हो नहीं मानते हो, फिर भी व्यक्ति को तो मरना पड़ता ही है। और जो व्यक्ति मरता है, जिसका वियोग में हमको वियोग होता है, जिसके जब वो हमसे छूट जाता है, जो वियोग होता है ना वो मोह के कारण होता है। हमको लगता है कि अरे मोह किस चीज का, हमको लगता है वो कभी नहीं छूटेगा, हमको लगता है कि वो कभी नहीं जाएगा, पर वो तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, पर जाएगा। तो इस कारण से कहते चाहे तुम कुछ भी फॉलो करते हो, या एथिस्ट हो या अद्वैतवादी हो, द्वैतवादी हो, कोई भी हो, पर जाना तो पड़ेगा। और जाने का जिसका वियोग होता है वो वास्तव में इसीलिए हो रहा है क्योंकि मोह के कारण। और अगले श्लोक में कहते हैं इसलिए तुम ये समझो, क्या समझो, कि ये जो आत्मा को न जानने के कारण क्या होती है, हमको ये सोच में पड़ जाता है कि जी असहाय जी तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे। क्या लोग कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो कार्य कैसे चलेगा? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कर्तव्य छोड़ देना, कर्तव्य करना है अपना, कर्तव्य पालन करते रहना, पर व्यक्ति को कभी ये नहीं सोचना चाहिए। कौन सा चीज? प्रकृते क्रिया मानानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढात्मा करता हम इति मन्यते। कि मैं करता हूँ, मैं ही अहंकार, मेरे कार्य से, मेरी वजह से ये जीवन, ये सब चीज चल रहा है, हम नहीं रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। इसलिए वो व्यक्ति कब सोचता है? जब उसको लगता है वो करता है, पर वास्तव में वो करता नहीं है, वही सिर्फ नहीं करता है, वो सिर्फ मात्र क्या है, निमेश है, वो एक प्रकार से निमित्त है, निमित्त है बस, वो वास्तव में करता तो भगवान है या प्रकृति उसके द्वारा कराती है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं, और कहते हैं अरे जो स्वयं सांप के मुख में, जिसको स्वयं काल रूपी सर्प डस रहा है,
या जो स्वयं बंधा हुआ है, जैसे कोई एक कुर्सी में बंधा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति खुद बंधा है और कोई दूसरा व्यक्ति, दो व्यक्ति बंधे हुए हैं और दूसरा व्यक्ति कहे कि भैया हमको खोल दो, तो कैसे खोल देगा? वो खुद ही बंधा हुआ है तो वो पहले खुलेगा तब ना आपको खुलेगा। तो जो व्यक्ति स्वयं काल के भाव प्रभाव में पड़ा हुआ है वो दूसरे को कैसे काल के प्रभाव से छोड़ सकता है, छुटा सकता है? नहीं, उसको छुड़ाने के लिए जो दूसरा या तीसरा व्यक्ति को उठान बताना पड़ेगा। तो ऐसे भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं जिनके ऊपर काल का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की लीला ही करते रहते। अभी आप कहोगे प्रभु जी पर हम देखते हैं लोग मृत्यु होती है, तो जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुख में रहता है और चूहा का बच्चा भी बिल्ली के मुख में रहता है, दिखने में दोनों लग रहा है लेकिन चूहा घबरा रहा है अब तो बिल्ली मारेगी और खा जाएगी, पर बिल्ली का बच्चा वो मस्त रहता है, उसको पता है कि माँ पूरा अच्छे से प्रेम करेगी। तो ये चीज अंतर होता है, देखने में लगता है कि भक्त की भी मृत्यु हो रही है और एक साधारण भौतिक आदि लोगों की भी मृत्यु हो रही है, पर भक्त का वो पता है कि इसके बाद क्या होगा। जैसे जो छठे स्कंद में आता है बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, चतुर श्लोक है उसमें, कि मित्रासुर कहते कि भगवान मेरा मन आपके में लग जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण चाहिए। और वो इंद्र से कहता है कि अरे मारो भाई, मुझे मारोगे तो मैं क्या होगा, भगवान के चरण को प्राप्त करूंगा। तो उस तरीके से यहाँ पे बताया जाता है। और अगले श्लोक में बता रहे हैं कि तुमको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका फिर पालन पोषण कौन करेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि अब सोच सकते थे ना कि धृतराष्ट्र का पालन पोषण कौन करेगा, तो कहते हैं कि सभी जीवात्मा का, जीवस्य जीवो जीवस्य जीवनम। जैसे एक पैर वाला व्यक्ति, जहां पे बताया जा रहा है कि जो पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, पशु पेड़ पौधे खाते हैं, और जो पशु पेड़ पौधे खाते हैं उनको कौन खाता है, शेर ये सब खाते हैं। उसी तरीके से हर का मेंटेनेंस का क्या भगवान पालन कर रहे हैं, हर को देख रेख कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए तुमको घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कोई बोल सकता था कि अच्छा वो भगवान कर रहे हैं तो, पर आप तो कहते हैं कि सब कुछ, तो आपने आप बोल रहे हो कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि भगवान सब कुछ करते हैं और एक तरफ आप कहते हो कि काल का प्रभाव चल रहा है, कर्म से व्यक्ति सब बंधा हुआ है। तो कारण क्या है भाई, भगवान है कि काल या कर्म है? तब वो कहते हैं 48वें श्लोक में कह रहे हैं कि वो जो भगवान है, क्या है, तद्विदम भगवान, जो भगवान राजन एक आत्मात्मनम स्वदृक् अंतरो अनंतरो भयति पश्यताम मायायुर्धा। कि माया का अपने योग माया से वो भगवान अंदर बाहर सब जगह है। वो परमेश्वर को तुम देखने का प्रयास करो, कहां, सबके भीतर भी और बाहर के रूप में भी। तो वो भगवान के अंदर ही सब कुछ, ये काल जो कर्म है ये वास्तव में असिस्टेंट है भगवान के। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि कई बार लोग क्या होता है, भगवान, देखिए भगवान दो प्रकार से हमको सही लाइन पे लाने का प्रयास करते हैं। भगवान हर एक को सही लाइन पे लाने का, जैसे भौतिकवादियों को भी, दुष्ट को कष्ट दे करके किसी प्रकार से भी भगवान प्रयास उनका यही रहता है कि व्यक्ति सुधर जाए। सुधरने के लिए क्या करते हैं, एक होता है कि भगवान अंतर्यामी रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं, दूसरा भगवान गुरु बन करके आ जाते हैं, ठीक है। पर कई बार श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गुरु बनने के लिए क्या भगवान के महिमा का गान करना चाहिए, पर आजकल तथा कथित गुरु लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए और बड़ा बड़ा चीज करने के लिए, कुछ स्त्री पाने के लिए, ऐसी चीजों के लिए लगे हुए हैं। उस चीज के लिए वास्तव में गुरु नहीं बना जाता। गुरु की बस यही होता है कि वो गुरु जो है वो आपको कैसे भगवान की तरफ जोड़े, उसका परम लक्ष्य यही होता है और कोई दूसरा उसका लक्ष्य नहीं होता। ये बोलने के बाद अब वो कह सकते थे कि भाई वो जो आपने बताया ठीक है, लेकिन वो भगवान रहते कहाँ हैं, कहाँ है वो भगवान जो आप इतना पावर बता रहे हो, वो भगवान एग्जिस्ट कहाँ करते? तो नारद मुनि कहते अरे वो इधर ही है, किधर है, सोयम अद्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूपो श्याम आवाय सुर द्विषाम।
अरे वो जो भगवान है वो द्वारिका में ही तो है, वो जो कृष्ण है उनको तुम ऐसा वैसा मत समझो कि वो मेरा भाई है। फिर देखो नारद मुनि भी वही चीज बोल रहे हैं जो बोले थे कौन भीष्म देव ने इनको। तो बार बार यानी कहने का मतलब है कि काल के प्रभाव से हमको बार बार सुनना चाहिए भागवत। ये नहीं चलिए प्रभु जी एक दिन हो गया ना श्रवण कर लिया अभी क्या, नहीं, क्योंकि काल के प्रभाव से व्यक्ति भूल जाता है। तो बार बार यहाँ पे नारद मुनि भी कह रहे हैं कि वो पुरुषोत्तम भगवान से के जो काल के रूप में, देखिए सभी को भगवान का दर्शन होता है, जो भगवान के उस मनोहर रूप को देखना चाहते हैं उनको भी दर्शन होता है, और जो एथिस्ट जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए भगवान काल के रूप में प्रकट होकर के उनको काल के रूप से दर्शन कराते हैं कि मैं हूं लो आ गया मैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सर्वभक्षी काल के वेश में संसार का द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने के लिए उनके सामने वैसे प्रकट होते हैं। और यहाँ पे फिर बताते हैं कि अच्छा वो ठीक है आ तो गए, पर मिशन क्या रहता है भगवान का, भगवान का मिशन इसी श्लोक में बताते हैं 49वें श्लोक में कि भगवान आते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए। जैसे भगवान बोलते हैं परित्राणानां साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। अगला श्लोक जो महत्वपूर्ण है, देखिए नारद मुनि भी विदुर के पद चिन्हों पर चलते हुए क्या बोल रहे हैं, निष्पादितं देव कृत्यं अवशेषं प्रतीक्षते तावयुवं अवेक्षध्यं भवेद् यावत् ईश्वर। कि भगवान की सभी लीलाएं लगभग समाप्त हो गई, कुछ लीलाएं बची है। कौन सी लीलाएं, यदु वंशियों का संहार करना, पर वो बोल नहीं रहे इनडायरेक्टली बता रहे, और तुम प्रतीक्षा कर सकते हो तब तक रुके रहो, तुमको भी इंतजार करना है तब तक जब तक भगवान है। अभी वो लीला समाप्त करने के बाद तुम क्या हो गए, खुद ही नारद मुनि एक तरीके से संकेत दे रहे कि भगवान वास्तव में भगवान लीला समाप्त कर चुके लेकिन उसको प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं क्योंकि निकट अभी पूर्व में ही, कई बार होता है ना कि अभी कुछ हुआ होता है तो हम उनको कैसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में बोल देते हैं, अरे अभी वो चले गए, कुछ ही देर पहले गए हैं लेकिन हम कहते हैं कि चले गए। तो उस तरीके से निकट में चीज हुई घटना को वो ऐसे बता रहे हैं कि भगवान अभी एक लीला को करके तब तक के लिए तुम भी वेट कर सकते हो, उसके बाद तुम भी अपना बुरिया बिस्तर बांध करके टाटा करना निकलना। और नारद मुनि अब यहाँ पे बताते हैं धृतराष्ट्र का क्या हाल हुआ है, जो वो पूछ रहे थे धृतराष्ट्र गांधारी विदुर क्या हुआ उनका। तो कहते हैं कि धृतराष्ट्र अपने पत्नी और भाई के संग के साथ कहाँ निकल गए, हिमालय की तरफ। कहाँ हिमालय की तरफ भाई, हिमालय में कहाँ किस तरफ निकले। तब वो कहते हैं कि एक स्थान है सप्त स्रोत, सप्त स्रोत कहने का मतलब है जहां पे गंगा सात धाराओं में बह, मतलब गंगा की धारा सात धाराओं में डिवाइड हो गई है। अच्छा सात धारा में क्यों डिवाइड हुई, क्योंकि सप्त ऋषि के लिए, सप्त ऋषि जो सात ऋषि हैं उनके लिए गंगा कृपा करने के लिए क्या करती है कि वो क्या करती है बहने उनके सम्मान के लिए, सारे ऋषियों के सम्मान करने के लिए है, वो क्या करती है सात धाराओं में सेवन मतलब कि उसमें पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगले श्लोक में कहते हैं उसी सप्त स्रोत के तट पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वो कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अष्टांग योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अष्टांग योग का अभी कुछ लोग प्रश्न करते कि प्रभु जी विदुर जी ने उनको भक्ति योग की महिमा क्यों नहीं बताई, अष्टांग योग की महिमा क्यों बताई। वो आगे के आगे श्लोक में हम देखेंगे, श्रील प्रभुपाद जी स्वयं लिखते हैं वो हम देखेंगे क्यों नहीं। इसीलिए हम कुछ आज सीखेंगे एक चीज भागवत से। तो अष्टांग योग की पद्धति बताई, क्या है अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब आठ अंग होते हैं, जैसे नियम होता है, कुछ नियम होते हैं, नियम करने होते हैं, जैसे तीन बार स्नान करना, ठीक है शौच आदि के बाद स्नान करना, तो ये नियम कुछ होते हैं। फिर यम होता है कि आप यम से अपने आप को शुद्ध करते हो, यम मतलब कि किसी प्रकार से मन को कंट्रोल करते हो यम। फिर होता है आसन, आसन लेते हो, अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं। फिर होता है प्रत्याहार, प्रत्याहार करते हो, आहार को दबाते हो, सब चीज को दमन करते हो।
फिर आप प्राणायाम, प्राणायाम वृद्धि होती है, फिर ध्यान होता है, फिर धारणा होती है, फिर समाधि होती है। ऐसे अष्टांग योग, अष्टांग योग का मुख्यतः लक्ष्य क्या होता है, योग का कहने का अर्थ ही होता है कि भगवान से जोड़ना। जो आज हम योग करने बैठ गए हैं ना, वो वास्तव में ठीक है फिजिकल बॉडी के लिए सुरक्षित करने के लिए, और लेकिन उसको योग नहीं करना चाहिए, उसको हमें एक्सरसाइज और व्यायाम कहना चाहिए। योग का कहने का मतलब होता है कि हम ये जो भी करते हैं अष्टांग योग, ये वास्तव में भगवान से जोड़ने के लिए, कि जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान में लग नहीं सकता, भगवान की सेवा में कर नहीं सकता, उसके लिए अष्टांग योग दिया जाता है पद्धति, जो कि गीता के छठे स्कंद अध्याय में हमने देखा भी था। तो वो अष्टांग योग में लगे हुए हैं कौन, धृतराष्ट्र। अच्छा, अष्टांग योग में लगे हुए हैं, फिर क्या, फिर कहते हैं कि वो कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपनी योग आसनाओं से वो परमात्मा के प्रति ध्यान लगा रहे हैं, कौन, धृतराष्ट्र, ठीक है, ध्यान लगा रहे। 55वें श्लोक में आता है कि अब जो धृतराष्ट्र है वो क्या करेंगे, बता रहे हैं, अभी ये हुआ नहीं, आज से लगभग 5 ये सब बता रहे कि वो कर क्या रहे हैं। वो जैसे हमारा ये जो भौतिक शरीर है पंच तत्व से बना है, सूक्ष्म शरीर है वो 3 तत्वों से, मन बुद्धि अहंकार से, ठीक है, और ये सारे तत्वों को विलीन करना होता है। जैसे योगी लोग होते हैं ये पंच तत्वों को पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं, ये जो भौतिक जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी विलीन कर देते हैं, किसमें, उस सूक्ष्मता में। तो इस प्रकार से विलीन कर देते हैं, और उन्होंने विलीन कर दिया। तो यहाँ पे कहते हैं 56वें श्लोक में कि तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मैं जाता हूँ अपने धृतराष्ट्र बड़े पापा से मिल के आता हूँ। कहते हैं जाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जाने की जरूरत है भाई, क्या चीज है, क्योंकि आज से लगभग वो क्या करेंगे, वहां पे जा करके उनको डिस्ट्रैक्शन मत करो, अचल मत करो। कोई भगवान का अगर भक्ति करता है तो हमारा आज का देखिए कितना, मतलब कि हम ये नारद मुनि से सीखना चाहिए हमें, कि कोई अगर भगवान में लग गया तो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको कहना चाहिए भैया अच्छा है तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, बहुत सही है। पर आज लोग भक्ति कर रहा है, और क्यों भक्ति कर रहा है भगवान का, क्या, अरे बाबा बन गया, ये तो बाबा बन गया जी। ऐसे लोग हंसते हैं, मजाक कर लेते हैं, मजाक करने लगते हैं। कई यूथ आते हैं मेरे पास, कहते हैं प्रभु जी अभी क्या करें, ऐसे लोग चढ़ाते लगते हैं कि अरे ये क्या टकला, ये सेविंग, ये सब क्या चीज है। तो ऐसे लोग कहते हैं, तो हम कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लोग पहले हंसते हैं, बाद में खुद ही फंसते हैं, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, उनको अच्छे से फंसा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं 56वें श्लोक में कहते हैं कि परित्याग कर, फिर वो उनको मतलब कि विचल मत करो, और कहते हैं अगले श्लोक में कि ठीक है मैं उनको मतलब कि बस मिल करके आ जाता हूँ। तो कहते हैं कि सुनो राजन, आज से 5वें दिन क्या होगा, तुम्हारे जो बड़े पिताजी हैं वो अग्नि, स्वयं अग्नि प्रकट होगी। महाभारत में भी हमने वर्णन किया था कि अग्नि जो अग्नि लग जाएगी, आग लग जाएगी, एक तो जंगल में आग लगेगा और स्वयं अपने भीतर से अग्नि प्रकट करेंगे, और वो उस अग्नि से वो चल करके भस्म हो जाएंगे। तो वो अग्नि से अच्छा भस्म हो जाएंगे, अच्छा ऐसा है क्या, तो इसलिए हाँ कहते कोई जरूरत नहीं है, उनका अंतिम संस्कार करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि ठीक है ये बताइए, गंधारी को मैं लेके आता हूँ, मेरी माँ अकेले रहेंगी। कहे नहीं नहीं नहीं, नारद जी कहते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई गंधारी के लिए, क्योंकि गंधारी क्या करेगी, गंधारी भी अपने पति का अनुसरण करते हुए क्या करेगी, उसी अग्नि में जल के भस्म हो जाएगी। और 49वें श्लोक में कहते हैं विदुरस्तु तद आश्चर्य निशाम्या कुरु नंदना हर्षा शोक युतस्माद गंता तीर्थ निसेवक। जब विदुर जी, तो ये सोचते युधिष्ठिर महाराज कि मैं विदुर को लेके आता हूँ, तो कहते नहीं विदुर वो देख करके हर्ष और शोक दोनों होगा। हर्ष इस चीज का होगा कि हाँ मेरा जो बड़ा भाई है कम से कम लास्ट समय पे सही मार्ग पे तो लग गया। कोई कहता है कि शोक इसलिए होता है कि भाई का बिछुड़ना, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
और सारे आचार्य कहते हैं विदुर को इस चीज का सबसे बड़ा दुख होता है कि मैंने अपने बड़े भाई को भगवान की भक्ति में नहीं लगा पाया, उसको प्रेम का वो प्रदान नहीं करा पाया। क्यों नहीं प्रेम प्रदान करा पाए? क्योंकि धृतराष्ट्र ने सबसे बड़ा अपराध किया था। क्या अपराध किया था? जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा होता है, धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन कोई कह सकता अंधा तो था पर राजा भी तो था, रोक सकता था ना। इतना बड़ा अपराध किया। अरे वैष्णव के चरण में, श्री प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य लिखते हैं, वैष्णव के चरण में किया हुआ अपराध, भगवान में चरण में अपराध किया हुआ नाम प्रभु बचा लेंगे, लेकिन वैष्णव के चरण में अपराध करने पर नाम प्रभु भी नहीं कुछ कर पाएंगे। ये है महाभागवतों की निंदा करना। इसीलिए सबसे पहला नाम अपराध में आप सुनते होंगे प्रतिदिन कि भागवत महाभागवतों की निंदा करना सबसे महान अपराध है। इसलिए वो अष्टांग योग दिए, भक्ति योग वो कर नहीं सकता था क्योंकि उसने इतना बड़ा अपराध किया था। किसके प्रति? एक वैष्णवी के प्रति, और बहुत से बड़े अपराध किए थे। तो इसलिए ऐसे अपराध के कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसको भक्ति में प्रेम नहीं मिल पाया। और इसके बाद जब विदुर जी के बारे में बताने के बाद नारद मुनि वहां से फिर लौट जाते हैं, और नारद मुनि अपनी वीड़ा लेकर के वहां से निकल जाते हैं और कुछ नहीं बताया कि भगवान भी वापस जा चुके हैं। कल हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में कि भगवान के विरह में भक्त का क्या हाल होता है वास्तव में। और वास्तव में जो हमारी जो भी समृद्धि है वो सिर्फ भगवान के कारण है। एक ऐसा व्यक्ति कल स्वयं बोलेगा कि भगवान के बिना मैं वास्तव में कुछ नहीं था, मुझे आस मिलने कौन था, वो कल देखेंगे। हरे कृष्णा ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय।